पता नहीं कहाँ है। कौन हो? अरे तुम हो? ये कौन सा गेटअप? अगर लड़की पटानी है तो गेटअप तो बदलना ही पड़ेगा। ओह बड़े सियाने हो तुम तो। गुरुजी बताइए पहला फॉर्मूला क्या है? फॉलो फॉर्मूला है। फॉलो फॉर्मूला? अजीब पागल है, आसमान देख रहा है। हाँ गुरुजी बताइए, एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, किसे फॉलो करना है? तुम एक काम करो। मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ पता है? एक हीरोइन जा रही है, गोवा की कचौरी है। ओ मेरी कचौरी, मैं यहाँ पर बहुत बोर हो रही हूँ, जाके उसे चिपक जा। ऐसा क्या, फिर मुझे आशीर्वाद दो। चलता हूँ, पागल कहीं का। हेलो मिस्टर। यस। क्या बात है, फॉलो कर रहे हो मुझे? हाँ यस। प्यार करते हो? नो, प्यार कर रहा हूँ। मुझे क्यों मारा? प्यार करते हो तो आसमान क्यों देख रहे हो? आसमान देखना गलत है क्या? सीधे बोलना चाहिए था। गुरु पहले क्यों नहीं बताया? गुरु जी ने कहा था। यार ये कौन है, सुबह सुबह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो टाइम पर नहीं आ रहा है, ये मेरा दिमाग खा रहा है। पेन डाउन, शटर क्लोज। ब्रह्मा जी ने पेन डाउन कर दिया, लगता है उनका ईगो हर्ट हुआ है। हमारी तकदीर नहीं लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे तो क्या हुआ? पेन हमारे हाथों में है ना, हम हमारी तकदीर खुद लिखेंगे। मैं खुद लिखता हूँ, मैं करोड़पति बनूंगा, मुझे 1000 साल जीना है। मुझे बड़ी हीरोइन बनना है, उसके बाद सेंट्रल मिनिस्टर बनना है। मुझे हीरो बनना है, ब्लॉकबस्टर फिल्में देखकर करोड़ों अरबों कमाना है। मैं ऐश्वर्या राय जितनी खूबसूरत बनना चाहती हूँ, बिल गेट्स जैसा आदमी मेरा पति होगा, मेरी बहुत सारी फैन फॉलोइंग होगी। ये सभी लोग भगवान से मांग रहे हैं, मैं खुद ही भगवान बनना चाहता हूँ। मैं भगवान को बेटा रुको, अगर इसी तरह सब अपना भाग्य लिखने लग जाएंगे तो इस लोक का क्या होगा? सुनामी आकर युगांत हो जाएगा। बाप रे, थोड़ी देर होती तो अनर्थ हो जाता, आखिर हुआ क्या है? नारायण नारायण, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम भाई? हाँ समझ गया। आप पिताश्री अजनक? नारायण 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 नारायण। तीनों लोक के पालनहार, आपके दो सिर कहाँ हैं स्वामी? ऑफिस शट डाउन हो रखा है। आपको पता नहीं, सरों को छुपाया गया है। आई डोंट वांट टू स्पीक टू एनीबॉडी, आई हेल्प इट। पिताश्री इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है आज पिताश्री किसी बात पर गुस्से में हैं। करेक्ट। आपके गुस्से का कारण क्या मैं जान सकता हूँ? जानकर तू क्या क्या कर सकते हो? आपके गुस्से का कारण अगर मैं जान गया तो बेटा होने के नाते भक्ति से और अपने दिमाग से मैं कुछ आइडिया दे सकता हूँ पिताश्री। उन विष्णु महेश्वर के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? आपको पता है क्या नहीं है? सुदर्शन चक्र और त्रिशूल। मेरे पास भी है ना, भाग लिखने वाला पेन। बाप रे, उनका सामान उनके पास है, मेरा सामान मेरे पास है, फिर उन्हें इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? मैटर थोड़ा सीरियस लग रहा है, आप पिताश्री थोड़ा क्लैरिटी से बताएंगे? भूलोक में उनकी पूजा क्यों होती है? मुझे क्यों नहीं पूछते, मेरा मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं? आप तो सब कुछ जानते हैं पिताश्री, भृगु महर्षि के श्राप के बारे में पता है ना, तब से हम लोग उसी ट्रेंड को फॉलो करते आ रहे हैं। आज के बाद उस ट्रेंड को मैं फॉलो नहीं करूँगा, ट्रेंड को चेंज करूँगा। मुझे भी अर्जेंटली भक्त चाहिए, मंदिर चाहिए, पूजा करनी होगी मेरी, एनी डाउट? सठिया गए हो? अरे पागल ब्रह्मा, आपके भक्त कहाँ से आएंगे आपकी पूजा करने के लिए? आप ये सब लफड़े में क्यों पढ़ना चाहते हैं? ओ विष्णु महेश देख लेंगे, ये भक्तों का चक्कर छोड़िए आप। नारद, जिंदगी में मुझे एक ही चीज से ज्यादा नफरत है, वो है भूल जाना। बाप रे, प्रॉब्लम तो बहुत सीरियस लगती है। ओहो, इसीलिए क्या आपने किस्मत लिखने वाली पेन छोड़ दी है? यस, हमने पेन डाउन किया है। हमें क्या समझ रखा है इन भक्तों ने, सिर्फ भाग लिखने वाला ब्रह्मा ही ना सॉफ्ट रहेगा, समझ रहे हो क्या?
मेरा असली कैरेक्टर अंदर भयंकर है, उसे बाहर निकालूंगा तो वो लोग पे भूचाल आ जाएगा। बाप रे। नारद, देखो। हाँ पिताजी। सिर्फ मेरी तरफ देखना है, ठीक है। मेरे बात करने के समय सिर्फ तेरे कान काम करने चाहिए। हाँ। इसके अलावा दूसरा कुछ करेगा तो बजाने के लिए वीणा नहीं रहेगी, हाथों में खड़ताल भी नहीं रहेगा। अब बेटे पर ब्रह्मास्त्र क्यों छोड़ रहे हैं? आपने यहाँ पर पेन डाउन कर दिया है, वहाँ भूलोक पर सब अपनी किस्मत खुद ही लिखे जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले कोई मैं ही ब्रह्मा हूँ ऐसा लिखने जा रहा था, तो मैंने उससे पेन ले लिया। लीजिए पेन। आपकी प्रॉब्लम क्या है बताइए, मैं गूगल में सर्च करके सॉल्व कर दूंगा। बोलिए। मुझे अर्जेंटली एक भक्त चाहिए, बस। लगता है पिताश्री का ईगो हर्ट हुआ है। पिताश्री को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भक्त को बकरा बनाना पड़ेगा। कहाँ मिलेगा वो? Rocks, mics, and rocks and well, yo. The beat beat. The beat beat. The beat beat. The beat beat. Hey! शराब किसने पी है? तूने। तो फिर? हिलता क्यों? सीधा घर जाना? यहाँ दारू की दुकान कहाँ है? मुझे पता नहीं भैया। पता नहीं है? तो इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ? दारू की दुकान नहीं पता? चल जा। सड़क पर कोई भी पीकर चलाने लगता है। वोट देने का भी हक नहीं है। दारू की दुकान जिसे मालूम नहीं उसे वोट देने का हक नहीं। मैं बात करूंगा पार्लियामेंट में। यहाँ दारू की दुकान कहाँ है? चल निकल। निकलने के लिए बोल रही है? मैंने कुछ गलत पूछा क्या? दारू की दुकान का यही तो पूछा था। भड़क क्यों रही हो तुम? क्या सोच रही है? मेरे पास स्टॉक नहीं है। देखो अभी थोड़ा ज्यादा हो गया ना, तो नींद नहीं पी सकता, पानी चाहिए होगी। बेटा बबलू। ए छिछी, तेरा बॉटल कहाँ है? मेरे पास है। छिछी बहना, तुम चिंता मत करो। स्कूल का नाम बताओ, इसका रोल नंबर बताओ, अपना नंबर बताओ, कल फोन करके वापस कर दूंगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हेलो, क्या है? क्या कहना था? क्या है बताओ? बताओ तो सही। I love you. सीधे खड़े होकर आई लव यू नहीं कह सकते तो तुम्हें लव कौन करेगा? असल में लड़की पटाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जाके लव गुरु से मिलो। कौन है वहाँ? जरा भूलोक पर उस मनुष्य को देखिए तो पिताश्री। हाँ। पैर से लेके सिर तक वो कैसे शराब का गोडाउन बनकर घूम रहा है। उसकी शराब की लत छुड़वाकर, उसे वरदान देकर उसका प्रेम सक्सेस करवा दीजिए, वो आपका भक्त बनेगा। हाँ। आपका मंदिर बनवाकर पूजा करेगा। पिताश्री, वो हर सिग्नल पर आपका इस पोज में शानदार स्टैचू बनवाकर पूजा करेगा। मुझे पसंद आ गया। I like this proposal, नारायण। I send a person. मैं ही हूँ गुरुजी। 5 सालों से एक लड़की को ट्राई कर रहा हूँ गुरुजी, बिल्कुल नहीं पट रही है गुरुजी। फार्मूला को फॉलो किया? किया है गुरुजी। फॉलो फार्मूला, लेटर फार्मूला, सिनेमा फार्मूला, पार्क फार्मूला, सबको फॉलो किया है। सारे फार्मूला खत्म हो गए। बाप रे, बड़ी शानी लगती है। एक काम कर, कार्ड दे के देख ले। ठीक है गुरुजी। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कोई कुछ भी समझे कोई बात नहीं, मेरे लव को आप सक्सेस कराएंगे गुरुजी। किससे प्यार किया? मंत्री की बेटी या किसी डॉन की बहन से? एक शादीशुदा आंटी से गुरुजी। आंटी से? हाँ। लड़कियाँ होती तो फॉर्मूला इस्तेमाल होता, आंटियों पे फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होता। फॉर्मेट तो ठीक है, एक डिलीट किए बगैर दूसरी फाइल अपलोड नहीं होगी। आपकी मर्जी गुरुजी, सिस्टम आप ही का है।
आप जैसा बोलेंगे वैसा अपलोड करूंगा मैं। ओ, घर में अंकल रहते हैं क्या? सुबह को जाता है, शाम में आ जाता है। अंकल तो बहुत बिजी हैं। तू दोपहर में जाके आंटी को पकड़ लिया। मारेगी तो गुरुजी? अरे एक दो बार मारेगी चलेगा यार, तीसरी बार जड़ से गले लगा लेगी। सच में? मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। अरे ये छोड़ो यार, 25,000 लेकर के आना। हाँ, ओके। अरे गुरुजी, सॉरी गुरुजी, माफ करना, आपको चोट तो नहीं लगी ना? तेरे पैर है या मेरे पैर? अच्छे खासे हो, प्रॉब्लम क्या है? क्वार्टर पीता हूँ तो पता ही नहीं चलता, आप पीता हूँ तो चढ़ती नहीं, फूल पीता हूँ तो उतरती नहीं। हाँ। दिल में बहुत दर्द है। दर्द है? यू मीन लव? यस, आई मीन लव। समझ गया, तुम्हारे देवदास की तरह एंट्री मारते ही समझ गया कुछ ऐसा ही मामला है, तेरे लव की एक ही प्रॉब्लम है। बताइए गुरुजी, प्रॉब्लम को दारू पिला के सुला दूंगा। तेरी शराबी प्रॉब्लम है यार, जब तक दारू रहेगी छोकरी नहीं आएगी। हाँ? असल में मैं क्यों पीता हूँ पता है गुरुजी? यहाँ क्या देख रहे हो? फ्लैशबैक उधर है। डाली डाली, आने तक हम लोग एक खेल खेलें क्या? चलो खेलते हैं। ना चम्मक चलो, थोड़ा धीरे चलो, आ जाओ सुनो, अब हम लोग घूमने वाला खेल खेलते हैं। घूम रही है धरती, घूम रही है। मुझे चोट लग गई, अब हम ये खेल नहीं खेलेंगे, अब हम लोग ना लंदन का खेल खेलेंगे, पता है ना लंदन? खेलते हैं। मैं वहाँ जाके ना लंदन बोल के पुकारूंगा, फिर तुम ना धीरे धीरे मेरे पास आ जाना, फिर मैं क्या करूँगा ना तुम देखना, ठीक है ना? जाता हूँ, तुम यही रुको, मेरे पीछे मत आना। मैं रेडी हूँ, तुम रेडी हो क्या? मैं भी रेडी हूँ। LYND लंदन। करीब आ रही है, करीब आ रही है। फिर से बोलता हूँ। LYND लंदन। करीब आ रही है, आ रही है। LYND लंदन। दूर चली गई। यही है गुरुजी मेरी प्रॉब्लम। तुम्हारे गियर में प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी। लड़की बचाने के लिए फॉर्मूला फॉलो करना होगा। 25,000 देकर फॉर्मूला खरीद लो, पक्का बोलता हूँ लड़की फिदा हो जाएगी। लड़की फिदा हो जाएगी क्या? लो ये 25 है, देखो वजन से लग रहा है 25 है। पूरे, अब तो बता। कल तुम बस स्टॉप पे मिलो। पक्का? थैंक यू। पहले तुम्हें दारू छोड़नी होगी। छोड़ना होगा? छोड़ दूंगा गुरुजी, ये लो। आज से छोड़ दिया, आपकी बात मान लिया, ये लो, ये भी लो। ये क्या, शराब पी रहा है बेच रहा है? पीने के लिए। और स्टॉक है क्या? है ना गुरुजी, पेट के अंदर फूल भरा हुआ है। ठीक है, संभल के जाना। ठीक है गुरुजी, चल रहा हूँ। दिखाऊंगा तेरे लायक की लड़की, दिखाऊंगा। बहुत स्ट्रांग है, घर जाके पीता हूँ। नारायण पिताश्री, अब देखना मेरा भक्त उस लव को सक्सेस करके मेरा मंदिर बनाएगा। हाँ। मेरी पूजा करेगा, नारियल हाँ। भी अर्पण करेगा। हाँ। मंदिर 1 से 100 बनेंगे। हाँ। 100 से 1,000 बनेंगे। हाँ। 1,000 से 10,000 बनेंगे। हाँ। लाखों करोड़ों मंदिर बनकर पूरा विश्व मेरे मंदिर से भर जाएगा। ये सोच मुझे कितनी खुशी दे रही है। पता नहीं कहाँ है। कौन हो? अरे तुम हो? ये कौन सा गेटअप? लड़की पटानी है, गेटअप तो बदलना ही पड़ेगा। ओह बड़े सियाने हो तुम तो। गुरुजी बताइए पहला फॉर्मूला क्या है? फॉलो फॉर्मूला है। फॉलो फॉर्मूला? अजीब पागल है, आसमान देख रहा है। हाँ गुरुजी बताइए, एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, किसे फॉलो करना है? तुम एक काम करो। मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ पता है? एक हीरोइन जा रही है, गोवा की कचौरी है। ओ मेरी कचौरी। मैं यहाँ पर बहुत बोर हो रही हूँ। जाके उसे चिपक जा। ऐसा क्या, फिर मुझे आशीर्वाद दो। चलता हूँ, बाय। जा, पागल कहीं का। हेलो मिस्टर। यस। क्या बात है, फॉलो कर रहे हो मुझे? हाँ यस। प्यार करते हो? नो, प्यार कर रहा हूँ।
मुझे क्यों मारा? प्यार करते हो तो आसमान क्यों देख रहे हो? आसमान देखना गलत है क्या? सीधे बोलना चाहिए था। गुरु पहले क्यों नहीं बताया? गुरु जी ने कहा था यार, ये कौन है? सुबह सुबह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, टाइम पर नहीं आ रहा है, ये मेरे दिमाग खा रहा है। गुरु जी क्या हुआ यार? फॉलो करने के लिए बोला था ना, फॉलो करने के बाद आसमान देखा तो मारा। फॉर्मूला रिवर्स हो गया गुरु जी। अच्छा, वो तो मारती रहेगी, पीछा नहीं छोड़ना है। कैसे कैसे बताओ? तुम मुझे फॉलो कर। मैं नहीं करूँगा, फिर से मार खाऊंगा। ओहो, तुम मुझे देख। Yes. Are you following me? Yeah. Do you love me? 100%. तो फिर ऊपर आसमान में क्यों देख रहे हो? अपने सपने का पीछा करो। मेरी माँ कहती थी, मेरा सपना सच हो रहा है, इसीलिए माँ को थैंक्स कह रहा हूँ। I love you, darling. I too, darling. वो मेरी वाली है। You naughty. मुझे भी चिपकना है। गुरुजी, अरे अब क्या हुआ? फॉर्मूला वर्कआउट नहीं हुआ गुरुजी। वर्कआउट नहीं हुआ? फिर तो कोई पहुंची हुई हस्ती लगती है। कार्ड दिया था क्या? दिया था गुरुजी। कौन सा कार्ड दिया था? ग्रीटिंग कार्ड। ग्रीटिंग कार्ड दिया था? ग्रीटिंग कार्ड से लड़की नहीं पटती बेटा। ग्रीटिंग कार्ड देना था तुझे तो गुरुजी। क्रेडिट कार्ड के बजाय ग्रीटिंग कार्ड दे रहे बेटा, अकल नाम की चीज नहीं लड़की पटाएंगे। गुरुजी अभी कैसा लग रहा है मेरा गेटअप? आज ट्राई करूं क्या? हाँ, पहले तू जाएगा तो थप्पड़ खाएगा, पहले मुझे फॉलो कर। कहाँ हो यार तुम? मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी। यस, आप? आई एम जॉन डी कोस्टा। कहिए। कहने के लिए कुछ नहीं है, दिखाता हूँ। नौवा महीना, 9 तारीख, 9 बजे। आपको जुकाम हुआ था, आपने यूज करके इसे फेंक दिया था। 10वां महीना, 10 तारीख, 10 बजे। आपको सरदर्द था, कॉफी पीकर इस कप को वहां पे छोड़ दिया था। 11वां महीना, 11 तारीख, सुबह ठीक 11 बजे। ऐसे ही आपने टाइम पास के लिए चॉकलेट खाकर रैपर फेंक दिया था। ये वही है रैपर का टुकड़ा। इतना ही नहीं, अंदर बहुत कुछ है, चेक कीजिए। कोई जरूरत नहीं, इट्स नाइस कलेक्शन। Thank you. Oh, are you following me? Yes. Do you love me? Exactly. I love you. I love you, darling. I too, darling. Body एकदम मक्खन। गुरुजी, आप ग्रेट हैं। मुझे ऐसी चाहिए थी। हाँ यार, बहुत एंजॉय किया हमने। हाँ, मैं भी गई थी ना, लेकिन वो लोग भी आए। हाय, आप देवदासु? प्रेम दासु, मतलब प्रेमी नंबर 2। कहिए। कहने के लिए कुछ नहीं, सीधा दिखाई देता हूँ। चीची, वो क्या है, जल्दी जल्दी में ना थोड़ी मिस्टेक हो गई। पैंट पहनते समय ना जिप चलाना भूल गया। अब पीछे देख सकती हो। अब इसे अपने हाथों से पकड़ो और खुद खोल के देखो। ये 1977 में तुम यूज करती थी। ये 1987 में तुम्हारा पहना वो प्रिंट ड्रेस। ये 1979 में आपके डुप्लीकेट बाल है। ये अभी अभी 2012 में आपके जैकेट पे लगाया हुआ पिन है। मुझे क्यों मारा? ये सब तो ले आए हो, पर जो मैंने सोने की चेन मांगी थी वो कहाँ पर है? सोने की चेन? गुरुजी, मुझसे सोने की चेन मांग रही है? तेरी तो पूरा फेल हो गया प्लान। फॉर्मूला चाहिए क्या? दे दूंगा, 25,000 एडवांस। हाँ ओके। एक्सक्यूज मी, तू रख, मैं करता हूँ। यस, मुझे लव में प्रॉब्लम है सर। आजकल लड़कियों को भी लव प्रॉब्लम हो रही है? हाँ। क्या? जरा पीछे घूमो तो।
अच्छी सामने घूमो, मस्त लग रही हो, ये प्रॉब्लम क्या है? 6 मंथ से एक को ट्राई कर रही हूँ सर, पट नहीं रहे वो। लड़की होकर ट्राई कर रही हो लेकिन नहीं पट रहा है, कैसे ट्राई किया? वो कार में जा रहा था तो मैंने फॉलो किया। ओहो, ग्लास उतारते ही आँख मारी क्या? मारी थी सर। दूर से फ्लाइंग किस दिया क्या? दी थी सर। इतना करने पर भी नहीं पटा वो? पट गया सर। फिर क्या प्रॉब्लम है? मैंने ओनर को ट्राई किया तो ड्राइवर पट गया सर। ओहो, बहुत अच्छे। गाड़ी नंबर क्या है? AP29TV9999। TV 99? अरे पागल लड़की, टीवी मतलब ट्रेवल व्हीकल, गाड़ी चलाने वाला ही ओनर है, पीछे बैठने वाला पैसेंजर। जाकर फिर से ट्राई कर जा। सर सर, उस ओनर का नंबर दीजिए ना सर। उसके घर का पता भी तू क्या? दे देंगे तो आसानी हो जाएगी। ऐसा क्या? चलने का? जा। ये करने से भी नहीं पट रही है, दारू पिएगा तो। गुरु जी, किस फॉर्मूले के बारे में सोच रहे हैं? गुरु जी, शराब के फॉर्मूले के बारे में। शराब का फॉर्मूला? अच्छे रहोगे तो नहीं पटेगी, शराब पियोगे तो गारंटी पट जाएगी। गुरुजी, आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना। गुरुजी, देसी दारू से लेके स्कॉच विस्की तक, ऑफिसर चॉइस से लेके भट्टी दारू तक, सबको अच्छे से मिक्स करके नीट पीने का एक्सपीरियंस है गुरुजी। गुरुजी, हिल क्यों रहा है? पीने में मजा है, पीने में मजा है। गुरुजी अब बताओ, गुरुजी किसको डालना है मुझे? क्या डालेगा? वही वही लाइन 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 लाइन। अब वहाँ देख, मस्त लग रही है, जाके डाल दे लाइन, चल निकल दे। जा, डाल दूंगा डाल दूंगा। मर जा। ये डाल दूंगा डाल दूंगा तुझे डाल दूंगा। स्कॉच विस्की की तरह दोनों मिल गए। अब देखना। खत्म हो गई। अरे बाप रे, इसका तो छोटा था, ये तो पूरी मार गई। जैसे को तैसा। तुमसे गुरुजी, आपका फॉर्मूला हिट है, मुझे लड़की मिल गई। कब, क्यों, कैसे और कौन सी लड़की पटेगी कोई नहीं जानता। लव इज ब्लाइंड। किधर जाना है? हाँ, मुझे इस तरफ जाना था। ये लो 5,000। थैंक यू सर। मेरा एक्ट कैसा लगा? मस्त किया। जाकर फिल्मों में ट्राई कर, काम बढ़िया मिलेगा। फिर कब मिलेंगे सर? नया बकरा तो मिलना चाहिए ना। कौन है? लगता वही होगा। हेलो, फॉर्मूला चाहिए क्या? एक मिनट लाइन पे रहो, इसे जरा अपना नंबर बता। 9848012345। ओके ना, इस पे फोन करना, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, ठीक है? गुरुजी, आंटी फॉर्मेट सक्सेस। गुरुजी, मैंने अपलोडिंग स्टार्ट कर दी है। आंटी है ना, फॉर्मेट ही ऐसा है। आपका सिस्टम बहुत फास्ट है गुरुजी। ये लीजिए आपका पैसा। फोटो लाया है? ये लीजिए। तेरा टेस्ट बहुत बढ़िया है। आगे क्या करेगा? आज मैं और आंटी जंप हो जाएंगे गुरुजी। कितने बजे? 2:00। 2:00? 2:00 राहु काल है। 11:30 जंप कर जाओ। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। क्यों भाग्यवान, तलाक दो बोला तो लीगल नोटिस के साथ मिलूंगी बोली, अब इलीगल तरीके से छुटकारा पा रहा हूँ। सिर्फ लवर्स को मिलाना ही नहीं, तेरी जैसी चुड़ैल से भी छुटकारा पाना जानता हूँ। अरे भालू, इधर आ। गुरुजी।
इस फोटो की आंटी कैसी है? मेरे कलर की है, सुपर है। अच्छी लगी? हाँ। जा ट्राई कर ले। थैंक यू गुरुजी। आह, ये कैसा आनंद है। आ, स्वामी क्या है? जरा वहाँ देखिए तो, छोकरी के चक्कर में पड़कर आपको ही भूल गया आपका भक्त। आ? क्या है ये? ये कैसा अपमान है मेरा? आज तक किसी ने भी ऐसा अपमान नहीं किया। जिस भक्त की मैंने सृष्टि की उसका इतना अहंकार? नारद, हमें रॉन्ग ट्रैक पर ले जाने के लिए तुमने एक बकरे को सेट किया लगता है ना? अब हमें समझ में आ गया है। नारायण नारायण, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आपको अगर इतनी फीलिंग आ रही है तो एक बकरा सेट किया है ना, करो। एक बार और ट्राई करता हूँ। ये अच्छा है, लगे रहो। अब ये कौन है भाई? ताजमहल का केयर ऑफ एड्रेस आगरा, बिरयानी का केयर ऑफ एड्रेस हैदराबाद, नसीब का केयर ऑफ एड्रेस बहुत से लोग हैं, लेकिन बदनसीबी का केयर ऑफ एड्रेस सिर्फ ये सीनू है। जब माँ के पेट में था तो बाप चला गया, और जन्म लेते ही माँ चली गई। अक्षर ज्ञान देने वाली टीचर की जुबान और हाथ का हुनर सिखाने वाले बॉस का हाथ चला गया। अब इसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, हाथ में कोई काम नहीं है, रेंट भरने के लिए पैसे नहीं है। इसके पास अगर कुछ है तो आंखों में निराशा और पेट में भूख। ना तो इसकी कोई मंजिल है और ना ही इसका कोई अपना है, इसीलिए यह हमेशा आत्महत्या करने की कोशिश करता है। अब तक यह 3091 बार ट्राई कर चुका है, यह 3092 बार है। चलो देखते हैं इसके नसीब में क्या है। अब तो आप समझ गए ना, मैंने इसे बदनसीबी का केयर ऑफ एड्रेस क्यों कहा था। आखिर जब इसके नसीब में मरना भी नहीं लिखा है तो ये जिएगा कैसे? हाँ, अरे बाप रे, अब कैसे जीऊं मैं? रस्सी बेकार गई। शिट। बाप रे, अच्छा है कोई नहीं है, और ऊपर का घर भाड़े पे दिया है, और घर में भी एक रूम भाड़े पे दिया है। बाप रे, उसके आने से पहले इंटरव्यू के लिए जाता हूँ। रुको। तुमने देखा क्या? घर का रेंट कब देने वाले हो? इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, नौकरी मिलते ही दे दूंगा। लाइट बिल? रेंट देते ही लाइट बिल भर दूंगा। वाटर बिल? लाइट बिल भरते ही वाटर बिल भी भर दूंगा। हाँ तो चुम्मा? अच्छा, वाटर बिल भरने के बाद चुम्मा? बिना खाए 3 दिन हो चुके, चुम्मा देने की ताकत नहीं है। तो तुमने नाश्ता नहीं किया क्या? नाश्ता करके बहुत दिन हो गए। आओ नाश्ता कराती हूँ। हाँ नाश्ता, चलो चलो यहाँ रख दो नाश्ता, तो जल्दी से। हाँ? क्या हुआ सीनू? क्या ससुर जी नहीं है? नहीं है सीनू, पापा पैसा वसूली के लिए बाहर गए। उनके आने से पहले मुझे नाश्ता खिला दो, चलो। सीनू, मेरे पापा से बात करके हमारी शादी फिक्स करो ना सीनू। ऐसे मैच फिक्सिंग मत कराना, घी डालो। तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। मेरी जिंदगी की लगी पड़ी हुई है, ऐसे मिला कर खाऊंगा तो मजा ही आ जाएगा। घी खा लो सीनू, ताकत आएगी। तो घी खाने से भी मोटा नहीं होगा, समझा? तेरे शरीर में 100 ग्राम मांस नहीं है, और मेरी बेटी से प्यार करता है। ससुर जी। किसे बोला बे ससुर? वही सोलापुर के सुंदर राव है ना, इसीलिए शॉर्टकट में ससुर जी। ऐसी बात है क्या? वैसे आप जैसे बड़ों को नाम से बुला सकता हूँ क्या? आप मुझे कुछ भी कहकर बुलाइए, पर मेरी पर्सनालिटी को कुछ मत बोलो, इसलिए कि यही मेरी जायदाद है और यही मेरी दौलत। पागल हो गया क्या? अपनी बेटी की शादी तेरे साथ मैं कभी नहीं करूँगा। अगर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते हो ना, तो मुझे क्या करना होगा? तो फिर सुन मेरी बात। थैंक यू। एक हफ्ते के अंदर 10 लाख लेके आ, फिर मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करने के बारे में सोचूंगा। तुम अमरीश पुरी से भी बड़े विलन लगते हो। मैं 10 लाख रुपए अरेंज नहीं कर सकता ना, इसीलिए तुमने मुझे चैलेंज किया। तो ठीक है, एक हफ्ते में 10 लाख रुपए ले आऊंगा, लाकर तुम्हारे मुंह पर मारूंगा, तुम्हारी बेटी से शादी करके यहाँ से ले जाऊंगा। यही मेरा चैलेंज है, यही मेरा सौगंध और यही मेरी कसम। इंटरव्यू के लिए जाना है, 10 रुपए मिलेंगे क्या ससुर जी? पापा। बाप रे, सुबह सुबह ही मिस कॉल आ गया। हेलो भैया। हेलो, कौन है? मैं हूँ सीनू। जय हो काली माँ, सुबह सुबह अच्छी बोनी लग गई मेरी। हाँ बोलो सीनू। 100 रुपए चाहिए थे भाई, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। चाहिए तो 5 रुपए बैच ले लो।
ब्यास 5 नहीं बल्कि 10 है। मतलब मेरे से चालाकी करने की कोशिश कर रहा? ठीक है भाई, अगर शाम के 6 के अंदर हो तो 10 रुपए, अगर 6 पार हुआ तो 15 रुपीस, अगर 10 पार हुआ तो 20 रुपए, टोटल 120 दे दूंगा भैया। ये असल में 420 है, 120 दूंगा कह रहा है। बैटर देखकर तो कुछ फायदा ही लग रहा है। हाँ सीनू, तुम अपने बस स्टॉप पर आ जाओ। वहाँ आने के लिए भी पैसे नहीं है भाई, तुम ही यहाँ पे आ जाओ ना। कहाँ मिलोगे? यही सड़क पर मिलूंगा, तुम्हारा इंतजार करते हुए भाई। आते हुए 100 रुपए लेते आना। थैंक्स भैया। अब कैसे जाओ यार, यहाँ जाता हूँ। गर्मी ज्यादा हो रही है, पसीना बह रहा है, पता नहीं कैसी जिंदगी है। भैया भैया एक सिगरेट मिलेगी? अभी खत्म हुई। बैड लक शुरू हो गया। छी, तू है मेरी जिंदगी पर। सिगरेट मांग रहा था, सिगरेट। हाँ, पैरों में भी दर्द हो रहा है यार। भैया क्या है ना भाई, चलो पैसे निकालो। पैसे देने वाला आ रहा है भाई, तब तक ये फाइल अपने पास रख लो। एक सिगरेट दे दो। ये लो। माचिस कौन देगा भाई? ये लो। सब काम कर रहे हैं मेरे अलावा। अरे सीनू, भैया आप आ गए पहले। अरे से पैसे मेरा कोई संबंध नहीं। तुमने 100 मांगा था तो 100 दे रहा हूँ। शाम तक 120 रुपए दे दोगे ना? ये तो आपके नसीब के ऊपर डिपेंड है। क्या कहा? शाम के 6 बजते मैं दे दूंगा भाई। क्या बात है, बस में जाने के 5 रुपए, आने के 5 रुपए और मेरे पास बचे 90, एक महीना तो निकल जाएगा भाई। टाइम कितना हुआ? टाइम अच्छा देखता हूँ। एक महीना में कितने बार सिगरेट पी सकता हूँ? अरे वाह, इसके हिसाब से मेरा पूरा महीना तो आराम से निकलेगा। भैया भैया उससे मेरा कोई भी संबंध नहीं है भाई। बात ये नहीं है कि उस चोर से तुम्हारा कोई संबंध है। चल देना, तुझे 100 रुपए देने के चक्कर में मेरा 10,000 का नुकसान हो गया। चल भाग यहाँ से। पता नहीं सुबह सुबह किसकी सूरत देखी। भैया 5 रुपए दे दो भैया। भैया भैया भाई सिगरेट के पैसे। ऐसी बात है कि अभी तो कहा था दूंगा, मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन एक सर्टिफिकेट है। चलो पैसे दे दो भैया। चूहा कैसे खाते जा रहा है, मैं तो निकल रहा हूँ। भागो, पैसे लौटा दो। हे, ऊपर देखो, यहाँ पर क्या है? मुझे कुछ चाहिए, दे दो ना। घर में माँ है। मुझे कुछ चाहिए, दे दो ना। क्या है? पापा चिल्लाएंगे। मुझे कुछ और चाहिए, दे दो ना। क्या चाहिए तुम्हें? 100 रुपए दे दो। हट। 50 रुपए भी? ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, ऑफिस में हूँ, आ जाइए। हाँ आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो सर इंटरव्यू के लिए बुलाया था। ओह, गेम में? सर ये मेरी प्रोफाइल है। 10th में 2 बार क्या? हाँ सर। हाँ इंटर इंटर भी 2 बार? हाँ सर, हाँ सर। ओहो, इसको भी ये भी 2 बार किया क्या? सब जगह 2 बार पढ़ाई की है तुमने? एक्चुअली हुआ ये था सर, मैं जब 10th क्लास की एग्जाम दे रहा था ना सर, बड़ी तैयारी करके गया था। भूकंप आने से हमारी स्कूल की बिल्डिंग गिर गई सर। उसे फिर से बनाने के लिए लगभग 1 साल लग गया सर। इसीलिए 2 साल मेरी लग गई सर। लेकिन इंटर? सर इंटर में मेरे एग्जाम लिखने के समय प्रिंसिपल को हार्ट अटैक आ गया सर। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके दोबारा कॉलेज में ज्वाइन करने तक 2 साल लग गए सर। इसीलिए इंटर करने में 2 साल लग गए सर। और फिर डिग्री? इसमें डिग्री भी होती है क्या? हाँ है ना। ऐसा क्या? पैसा ना होने की वजह से रमेश के पास गिरवी रखी थी। ओ, इसमें कलर जेरोक्स होगा सर। यस। फाइल देखिए, फाइल देखिए सर। आपका फोन।
हेलो सुनिए हमारे बाबू को किसी ने किडनैप कर लिया है जल्दी से कुछ कीजिए ना ऐसा प्लीज क्या? कितना मांगा है 5 लाख मांग रहे जी कांग्रेस सर आपके बड़े बेटे की शादी फिक्स हुई है ना है ना चुप रहो बकवास करते हो अरे मेरे बेटे को किडनैप किया है किसी ने 5 लाख मांग रहा है अब वेरी फनी कितने लकी है सर आप पिछले बार एक इंटरव्यू पे गया था ना तो उसके बॉस की बेटी किसी भिखारी के साथ भाग गई थी वो भी बिहारी के साथ उससे तो ये बेटर है ना सर सर कौन है यार सर हाँ बोलो आपके घर पे इनकम टैक्स की रेट पड़ी है सर 50 लाख भरने को कह रहे हैं सर हाँ? आपकी मामूली किस्मत नहीं है सर घुमाऊ किस्मत है पिछली बार मैं इसी तरह ये फाइल लेकर इंटरव्यू के लिए गया था तो मेरे जाने से पहले ही आईटी के लोग आकर ऑफिस को सील कर दिया था सर अब तक आपके साथ कुछ नहीं हुआ तो आप लकी है सर अरे अरे क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हो कोई एक पुराना सा टेबल डालकर एक फोन रख के रियल एस्टेट को ऑफिस चला रहा हूँ यार क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हो ये रियल एस्टेट ऑफिस है क्या और नहीं तो क्या सॉफ्टवेयर ऑफिस नहीं है क्या नहीं है तो इसमें पढ़ाई की क्या जरूरत है दिमागी काफी है इसके लिए तुम पूछ रहे थे 10 कितने बार किए इंटर कितने बार किए डिग्री कितने बार किए पागल हो क्या इसके लिए एक टेबल बगल में फोन का बिल तो ठीक से भर रहे हो ना ए इतनी देर बेवजह मेरा टाइम वेस्ट किया इसीलिए खर्चे के लिए 100 रुपए दोगे तो खाना खाकर सो जाऊंगा अरे नहीं हॉस्पिटल का खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा बाप रे 10 बज चुके मतलब 3 घंटे लेट सीनू ये क्या कर रहे हो मैं क्या करूं सुबह उठकर लोग भगवान को याद करते हैं और मैं हूँ कि यमराज को याद कर रहा हूँ मेरे रहते हुए तकलीफ क्यों लेते हो मतलब तुम ही मुझे मारोगी एक प्रेमिका के हाथों से मरने से अच्छा और क्या होगा मारो मारो छोड़ दो तुम्हारे पापा मुझे मारने के लिए सपने में चाकू लेकर आए थे वहाँ भी तुमने ऐसी ही आकर मेरी नींद खराब की थी दूसरे लोग जीने से तंग आकर मरना चाहते हैं और मैं हूँ कि मरने से तंग आकर जी रहा हूँ पता है प्रिया कल रात को क्या हुआ था पता है आत्महत्या करने के लिए रिंग रोड पर गया तो 125 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से आने वाली गाड़ी भी मौत के 6 फीट दूरी पे बिना पेट्रोल के रुक गई आत्महत्या की कोशिश कर करके मेरा अनुभव इतना बढ़ गया है कि 30 दिन में आत्महत्या करने के 30 तरीके ऐसी किताब लिख सकता हूँ मैं रॉयल्टी तुम्हारे नाम करके अपुन एकदम शान से रहेगा क्या मुझे अच्छा तो ठीक है कल रात मैंने कुछ ऊपर से गिरने की आवाज सुनी थी तुम्हें तो सिर्फ कल रात सुनाई दिया था ना मुझे तो हर रात सुनाई देता है आत्महत्या करने के लिए बिल्डिंग में जाकर दीवार से कूदा तो दीवार ही गिर गई उसके नीचे एक मुर्गी मर गई लेकिन मेरी मौत नहीं हुई तुम्हारे पापा को ये बात पता चली तो उसका पैसा भी मुझे भरने के लिए कहेंगे इसलिए नहीं बताया तुम भी मत बताना नहीं बताऊंगी लेकिन फ्रेश होकर कुछ नाश्ता कर लो आखिर में भूख मर गई और मैं नहीं मरा तुम सिर्फ अन्नदाता नहीं हो प्रेम दाता भी हो अब कर्ज दाता भी हो 100 रुपए दोगी तो यू नेवर एक्सपेक्ट ऐसे 100-100 देकर ही 1 लाख हुआ है वो लाख मार्केट में ब्याज पर देते तो 10 लाख हो जाते अपना काम भी हो जाता ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं पर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरे पापा तुमसे शादी करा देंगे अच्छा अरे ये बेकार सा आइडिया मुझे क्यों नहीं आया एक काम करो उस राजू के पास जाकर ये आइडिया जिसने दिया उसी से प्रेग्नेंट होकर पापा को कहना कि मैंने किया है ठीक है ना सीनू नहीं तो क्या यहाँ मैं भूख से तड़प रहा हूँ और तुझे प्रेग्नेंट होना है सुनो तुम्हारे पापा को 10 लाख रुपए देकर तुमसे शादी करूंगा लेकिन ऐसा बुरा काम मैं कभी नहीं करूंगा इसीलिए कि ईमानदार मतलब सीनू सीनू मतलब ईमानदार इसलिए तो सीनू तुम मुझे पसंद हो हाथ हटाओ ऐसा जाल डालकर तुम मुझे फंसाना चाहती हो लेकिन मैं अपने मर्जी से फंसने वाला हूँ समझे ना तुम नीचे जाकर हम दोनों के पसंद का नाश्ता बनाओ चलो जाओ यहाँ से ओके यस सिर पटक पटक के बेहोश हो जाऊंगा अरे बाप रे ऐसे तो मौत नहीं आने वाली पहले नाश्ता कर लेता हूँ फिर देखता हूँ हाँ हे भगवान आज तो उठा ले भगवान आज मुझे मरने में कामयाब करना अरे क्या हो गया कुछ नहीं लाइट जाने से डर गया था मेरे फुटे करम
सुनिए जी, शादी नहीं करेंगे। मेरे रहते तुम शादी क्यों करोगी? छी छी, मेरी नहीं जी, हमारी बेटी की। कर देंगे ना, इतनी जल्दी क्या है? हम जल्दी नहीं करेंगे तो शायद वो बहक जाएगी, इसी बात का डर है मुझे। वैसे भी वो सीनू जो है ना, हमारी लड़की पर डोरे डालता है। हर दिन हमारे पीठ पीछे हमारी बेटी चाय पानी नाश्ता लेकर जाती है। वो पता नहीं कब क्या कर देगा, सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे यहाँ रहते हुए उसकी हिम्मत नहीं है कि उसे थोड़ा भी छूने की हिम्मत कर सके। अरे ये कैसा पागलपन है। मैं पागल हो सकता हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। पूरे गांव की नजर मेरी दौलत पे है। बुरी नजरों से बचने के लिए बाहर पुतला लगाना होगा, फिर लोगों को शक नहीं होगा, उन्हें लगेगा मैं गरीब हो गया हूँ। सुनो, तुम ये सब छोड़ो, अपनी बेटी पे नजर रखो, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ है। जाओ 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 जाओ। अरे शिनु, तेरी आंखें मेरी बेटी पे नहीं है, मेरी अंगूठियों पे है, सब जानता हूँ मैं। क्या बेबी? वैसे मेरी तकदीर लिखने वाला है कौन? ब्रह्मा जी है क्या? अरे ब्रह्मा जी, सपने में भी मुझे मरने का चांस दिए बगैर इस मिडनाइट मसाले के सीन्स क्यों दिखा रहे हो? पेपर पेन मिलने से राम गोपाल वर्मा की तरह डायलॉग लिखने से कुछ नहीं होगा। कभी मेरे मौत के बारे में भी लिख लिया करो यार। चार बुख लेकर पूरी दुनिया घूमने से कुछ नहीं होने वाला, मेरी लाइफ को भी टर्निंग पॉइंट चाहिए। 2 घंटे की फिल्मों में भी हजारों लॉजिक होते हैं तो 100 साल की जिंदगी में तो एक लॉजिक तो होना चाहिए ना। लाइफ में हमेशा भूख, टेंशन, परेशानी के अलावा कॉमेडी, हंसना, एंटरटेनमेंट, ऐसा कुछ नहीं रहेगा क्या? अगर तुम्हें पता नहीं है तो भूलोक में इंद्र कुमार नाम का एक फिल्म डायरेक्टर है, उनकी फिल्मों में तुम स्पॉट बॉय का काम करके दिखाओ, तब पता चलेगा तुम्हें। थू! कोई कितना भी बदनसीब क्यों ना हो, उसके पास भी एक नसीब होता है। वो नसीब क्या होता है पता है? इस काल को मुझे रोकने की शक्ति दो, बस तब तुम्हें मैं अपना भगवान मानूंगा, तब तुम्हारा मंदिर बनाऊंगा, तब तक मेरी और तुम्हारी कट्टी। हाँ कट्टी। हाँ हाँ। मिल गया। पिताश्री, उस सीनू को देख रहे हैं आप? हाँ। आपको देखकर क्या लगता है? नो आइडिया। गेट आइडिया सर जी। 4G? नो जी। ओह, वो आइडिया क्या है तुम ही बताओ। वो विष्णु महेश्वर से भी मेरे पिताश्री ही बड़े हैं साबित करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया है ना, तो बता दो। सारी मानव जाति मंदिर में जाकर दिया जलाकर पूजा करेगी और नारियल फोड़ेगी तो हमारी आशाएं पूरी होकर आपकी मन्नत पूरी होगी, और ऐसा होने के बाद वो विष्णु महेश्वर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं ना। ये तो कॉमन है ना। अगर ऐसे में आपको बिना रिश्वत के, बिना दिया जलाए, बिना पूजा किए, बिना नारियल फोड़े, यहाँ तक कि मंदिर में घंटी बजाए बिना भी आप उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। पूरा कर दिया तो नेक्स्ट, कंटिन्यू। माउथ पब्लिसिटी से आपकी फैन फॉलोइंग बढ़कर फेसबुक में ट्रेंड की सृष्टि करेंगे। यूट्यूब में आपके उपहारों का वीडियो देखकर व्यूअरशिप बढ़ेगा और पूरा वर्ल्ड आपका दास बन जाएगा। इसके बाद कहीं भी देखेंगे तो ब्रह्मा का मंदिर, ब्रह्मा की पूजा और ब्रह्मा के भक्त लोग, ये दृश्य देखकर विष्णु महेश्वर आपसे जलने लगेंगे। लेकिन उन्हें जलना ही होगा, आप शर्मिंदा मत होइए, उन्हें जलना ही होगा, समझ गए? आप शर्मिंदा मत होइए, समझ गए? हाँ बस, समझ गए ना? बस हाँ, बस ओके ओके फिक्स। हाँ ऐसे ही। अब आप उनके बारे में सोचिए। नारद, पिताश्री, उसने काल को रोकने का वरदान मांगा था ना, ये बहुत ही मुश्किल है, सृष्टि के विरुद्ध है, इसीलिए नहीं दे सकता। लेकिन उसके प्लेस में स्टॉप एंड मूव इस मंत्र को उसे दे रहा हूँ। इसकी वजह से भूलोक में वो मूव कहकर किसी भी चीज को हिला सकता है, स्टॉप कहकर किसी भी चीज को रोक सकता है। कहीं वो ब्रह्मांड को रोकेगा नहीं ना? नारद, पिताश्री, इसीलिए फिंगर ऑन योर लिप्स, देखो। तुमसे शादी करके बर्बाद हो गई हूँ मैं। हाँ तो मैं भी बर्बाद हो गया हूँ। तू
तुम कैसे बर्बाद हो गए? बता मुझे, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तुमसे शादी करूंगा तो सुखी रहूंगा सोचकर कॉलेज के दिनों में तुम्हारे पीछे पागल था, लेकिन मैं बर्बाद हो गया हूँ। कॉलेज में तुम मेरे पीछे पागल थे, इसके लिए तुमसे शादी की। एक दिन भी सुकून से जीने नहीं दिया तुमने। क्या हो गया भाई? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, एक भी नई साड़ी लाकर दी तुमने? अभी जो साड़ी पहनी हो वो किसने लाकर दी है? तेरे मायके वालों ने लाकर दी है क्या? बताओ, बात करो ना। देखो भैया कैसे ताने मार रहे हैं, खुद की तारीफ कर रहे हैं। वैसे भी इनको बोलने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जबान चलाना सिखाया है। मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो। तुझसे तो तेरी बहन अच्छी है, उसी से शादी करता तो अच्छा होता। आजकल तुम मेरे बहन के पीछे क्यों पड़े हो? चुटकी बजाऊंगा तो बहुत सारी आ जाएंगी, तेरी बहन क्या चीज है? ऐसे भी शौक है क्या आपको? बहुत सी लड़कियों को ठुकरा कर तुमसे शादी की है मैंने। तुमको देखकर, तुम्हारे टकले को देखकर लड़की आ जाएगी क्या? जैसे काली से कौन शादी करेगा बता? बोल रहे हो टकला वकला कहकर ज्यादा बात कर रही हो। तेरा बाप टकला है, तेरा दादा टकला है, मैं काली नहीं हूं। तुमने कभी आईने में देखा है क्या? ए स्टॉप इट, बोलो। हमेशा मेरे ही घर के सामने झगड़ा करते हैं, मेरी नींद खराब करते हैं। अरे इनको क्या हो गया यार? हाँ अचानक क्या हो गया इन्हें? सुबह से लड़ रहे हैं दोनों। हाँ यार वही मैं भी देख रहा हूँ। तुम ही पूछ लो ना। आंटी, अंकल। अरे अरे क्या हुआ अंकल? कुछ बोलो, क्यों क्या हुआ आपको? आंटी अरे आप लोग शांत क्यों हो गए? क्या हुआ आंटी, आप ऐसे खड़ी क्यों हैं? बताओ क्या हो गया? क्या हो गया? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उनको क्या हो गया? अभी तो झगड़ा कर रहे थे। अरे कुछ तो बोलो। हेलो अंकल, क्या हुआ है भाई? अरे आंटी बोला ना कुछ तो बोलो। अब क्या करें? अरे ऐसे क्यों खड़ी आंटी? बोल ही नहीं रहेंगे। अरे अंकल बोलो ना। अरे अंकल अब क्या करें? आंटी उन्हीं देखती रहोगी, समझ में नहीं। बोलिए ना। अरे क्या हुआ? अरे लोग बोल क्यों नहीं रहे? क्या कर रहे दोनों? अब क्या होगा? अरे बाप रे, क्या हुआ? अचानक से स्टैचू बन गए? अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, पागल है क्या? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आंटी तो रहे थे। अंकल 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 ऐसे क्यों देख रहे हो? एकदम शांत खड़े हो गए। अरे तू तो कुछ बोले यार। अरे बाप रे ये क्या चल रहा है? स्टैचू क्यों बन गया यार? आंटी आंटी हाँ हाँ एक काम करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। जाना यार। मूव। ये बताओ कभी भी तुमने अच्छा खाना खिलाया है क्या? एक भी दिन बिना पिए आते हो क्या? हर दिन पीकर आते हो, तुम्हें कैसे खाना अच्छा लगेगा? ड्रामे की वजह से ही रोज पीकर आता हूँ मैं, समझी तू? हाँ तुम हर दिन पीकर आ रहे हो ना, इसके लिए मैं टीवी सीरियल देख रही हूँ। बड़े आए समझाने वाले। हाँ बड़ी आई तू समझाने वाली। मेरा दिमाग खराब पता है मुझे। अरे इनको दोबारा से क्या हो गया? थोड़ी देर झगड़ा करते, थोड़ी देर चुप हो जाते हैं और फिर से झगड़ा करते हैं। मुझे तो लगता है कुछ जादू जैसा है। ये क्या था? मेरे स्टॉप कहने से वो लोग रुक गए? शिट, ये क्या चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं रात को ये सपना तो नहीं है ना? मतलब मैं जिसे स्टॉप कहता हूँ वो लोग रुक जाते हैं? स्टॉप। मूव। स्टॉप। मूव। स्टॉप। मूव। स्टॉप। मूव। स्टॉप। मूव। यस। मतलब मैं जब भी स्टॉप बोलता हूँ वो रुक जाता है। यस yes! मैं जिसे स्टॉप बोलता हूँ वो रुक जाता है। यस yes! मैं हारो। ला 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 यू ओह जाने वाला। राजू छोड़ो ना। ये राजू कौन है? ऐसे ही कहा मैंने तुम्हें सताने के लिए। पापा घर पर ही हैं। रहेंगे तो क्या कर लेंगे, उनका टेंशन छोड़ो।
तुम्हारे गाल रस भरे हैं, चूम लूं क्या? तुम क्यों, मैं खुद लूंगी ना। मेरे गालों में क्या रखा है? तुम्हारे गाल तो दे दो ना। छोड़ो मुझे, पहले तुम बाहर जाओ। हुँ? पापा आ जाएंगे ना तो चुम्मा नहीं लाफा मिलेगा। आते हैं तो आने दो, मैं क्या डरता हूँ क्या? आज हम दोनों के बीच में आर या पार होकर रहेगा। ये बात है तो चलो आज हो ही जाए। आ गए ना क्लाइमैक्स में, जैसे पुलिस आती है ना वैसे तुम्हारे जैसे लोग रोमांस में जरूर आते हैं। अगर मेरे जैसा नहीं आता तो तेरे जैसा आ जाता। ओके, आज कुछ भी हो जाए फैसला तो होकर रहेगा। फैसला कर दूंगा मैं। क्यों रे, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी पे हाथ डालता है तू? आप रहेंगे तो मैं कैसे हाथ डालूंगा? ए, शर्म नहीं आती तुझे? शर्म को मैंने बचपन में ही छोड़ दिया था। मैं एक बार कमिटमेंट कर दूं ना तो फिर मैं सलमान की भी नहीं सुनता। बताओ राधा से शादी करने के लिए क्या करना होगा? हाँ पापा, सीनू से मेरी शादी कब कराओगे पापा? करूंगा बेटी, करूंगा। तुम जाके 10 लाख लेकर के आओ, तब सोचते हैं शादी के बारे में। 10 लाख? सिर्फ 10 लाख? घंटे में है? एक घंटे में लेकर आऊंगा 10 लाख। एक घंटे में 10 लाख रुपए लेकर आऊंगा और तुम्हारे मुंह पर मारूंगा और तुम्हारे बेटी का हाथ थाम लूंगा। तोड़ दूंगा। ए, तूने पहले कभी 10 लाख तो क्या 1 लाख भी देखा है क्या? ऐसी लड़कियों के पीछे पढ़कर प्यार प्यार कहकर इन्हें पटाकर उसके बाप के पैसे से मजे करते, यही है तुम्हारी आदत। यू स्टॉप। पापा टेंशन मत लो। क्या हुआ है मेरे पापा को? तुम्हारे पापा थोड़ी देर सिग्नल न मिलने की वजह से आरटीसी क्रॉस रोड में एक बड़े से सिनेमा कटआउट की तरह, बैंक बंड में पत्थर की मूर्ति की तरह ऐसे ही खड़े रहेंगे। मैं जाकर 10 लाख रुपए लेकर आऊंगा और तुम्हारे पापा के हाथ में रखूंगा और तुमसे शादी करूंगा। जाने के समय एनर्जी के लिए एनर्जी ड्रिंक की तरह एक चुम्मा दो ना प्लीज। देख लिया ना तुम्हारी आंखों के सामने मैंने किस ले लिया। चलो मैं जाता हूँ। तुम्हारे पापा ऐसे मूर्ति बन के खड़े रहेंगे और मैं पैसे लेने बाहर जा रहा हूँ तो तुम उस राजू के साथ कुछ करोगी तो नहीं ना? ठीक है मैं जाता 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 हूँ, 10 लाख रुपए ले आता हूँ। नारद देखो, उस गरीब सीनू को मैं धनवान बनाऊंगा। किसी भी तरह एक बकरे को फंसा कर 10 लाख हासिल करना होगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे बॉस, क्या हुआ? ये सिटी बस कहाँ मिलेगी? बस स्टॉप। बस स्टॉप कहा तो ये क्यों स्टॉप हो गया? चलो भागते हैं यहाँ से। बस स्टॉप बोलो तो बस को ही रुका दिया। अरे बाप रे, लगता है ये कोई जादूगर है भाई, भाग। हाँ आंटी, एक कटिंग दो ना। शिट, अरे हाँ? हमारी चोरी की खबर पेपर में छपी है, ये तो गड़बड़ हो गई। पैसों के साथ ना पकड़े जाएं यार, पुलिस हमें ढूंढ रही होगी यार। आप क्या करें? हमें पुलिस पकड़ ले उससे पहले पैसों को ठिकाने लगाना होगा। चलो चलो चलते चलो निकलते हैं। फंस गए यार, चलो चलो चलते हैं। क्या स्कीम हाथ में लगी है भाई, इनके पीछे जाऊंगा तो वो 10 लाख मुझे मिल जाएंगे। जरा पीछे देख। क्या रे? हाय, क्या हुआ? पीछा कर रहा है? तुम लड़की हो क्या जो तुम्हारा पीछा करूंगा? तुम्हारा क्या है? इतना दम नहीं है तुम में? अरे एक सिनेमा में 4 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू, हीरो पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है यार, पॉइंट आउट। स्टॉप।
पुलिस आएगी ना तब तक इसी पोज में बने रहना, वो लोग आकर अपना काम करके चले जाएंगे। मेरे 10 लाख ससुर जी मैं आ रहा हूँ, ससुर के हाथ 10 लाख, उसकी बेटी मेरे हाथ, ससुर के हाथ 10 बाईस उसकी बेटी। आह अरे वाह पोज तो बड़ा कमाल का लग रहा है। हाँ? राधा 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 ए राधा। सीनू सीनू पापा बहुत देर से ऐसे ही खड़े हैं सीनू, मुझे बहुत डर लग रहा है, किसी भी तरह पापा को नॉर्मल कर दो सीनू। रुको जरा, डोंट फियर सीनू हियर, ओके कूल। ससुर जी मूव। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी इतना घबराइए मत, आपकी बेटी को मैंने कुछ नहीं किया है। ये लो आपके 10 लाख और गिन लो। पूरे 10 लाख? क्या कह रही हो? तुम नालायक हो, बेवकूफ हो, कामचोर हो। ऐसा सोचा था। तुम तो अच्छे हो दवा जी, बहुत अच्छे। ससुर जी अब आपकी बेटी के हाथ का खाना खा सकता हूँ ना? तुम जो भी चाहो कर सकते हो। खाना खाने की बात कर रहा था, तो ठीक है खाना खा सकते हो। चलो चलो मुझे बहुत भूख लगी है, चलो चलो चलो। 10 लाख तो मजा आएगा। बेटी जब तक काउंटिंग खत्म ना कर लूं काउंट डाउन स्टार्ट मत करना। 1 2 3 अबे तेरी तो, अपनी फीलिंग को काबू में रख बेटी। आ जाओ तुम्हारे पापा का मूड बदलने से पहले हम लोग मूड में आ जाते हैं। आ जाओ। छोड़ो मुझे। छोड़ो मतलब क्या, मुझे और टाइट से पकड़ना है। छोड़ो ना। ये क्या, तुम्हारे पापा को 10 लाख रुपए दिए ना? वैसे वो 10 लाख आए कहाँ से बताओ ना? पहले ये मैटर बाद में वो मैटर। कौन कौन राधा? हटो। पहले वो मैटर बाद में ये मैटर। तुम लड़कियाँ हम लड़कों का कब कहाँ कैसे मूड खराब करेगी वो तुम्हें भी नहीं पता, हमेशा तुम मेरा मूड खराब करती हो ना। पैसे का मैटर बता दो, ध्यान से सुनना। एक दिन तुम्हारे बगैर ऊपर में भूख से सो गया था ना, तो ये है मैटर। मुझे भरोसा नहीं। भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा। अब तुम्हें कैसे भरोसा दिलाऊं? हाँ ऊपर जो फैन घूम रहा ना उसे रुका दूंगा। स्टॉप। देखा ना फैन कैसे रुक गया? बिना करंट के तो कोई भी फैन रुक ही जाएगा। करंट की बात नहीं है, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? हाँ देखो उस घड़ी को रोक दूंगा। स्टॉप। देखा तुमने कैसे मैंने घड़ी रोक दी? बिना बैटरी के कोई भी वॉच रुक जाएगी। तुम पागल हो गई हो क्या? जब फैन मैंने रोका तो बोल रहे हो करंट गया? नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे विश्वास नहीं है। तुम पागल हो गया, मैं बोल रहा हूँ मुझसे। सीनू 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 पिताश्री जनक। क्या बात है? पहले उस सीनू के बारे में तो कुछ सोचिए। वो बदनसीब का बादशाह लगता है नारद, वो किसी सिग्नल के पास स्टैचू की तरह रह जाएगा। जरा भूलोक में उस रवि को तो देखिए जनक। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः,
आदित्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम 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 आदित्याय नमः। अरे कौन हो तुम? सुबह सुबह मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर पानी डाल रहे हो। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। अरे सुनो तो, तुमसे बात कर रहा हूँ, ध्यान करते समय मेरे ऊपर पानी क्यों डाल रहे हो और सुनते भी नहीं हो? ए, मैं तुम पर पानी नहीं डाल रहा हूँ, सूर्य देव का नमस्कार कर रहा हूँ। सूर्य नमस्कार अगर करना है तो ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई ना हो, ऐसे किसी के ऊपर पानी डालना सभ्यता नहीं है। तुम्हें ध्यान करना है तो किसी एकांत जगह पे जाकर के ध्यान करो, ऐसी जगह पे मत करो। पहले से ही मैं यहाँ बैठकर ध्यान कर रहा हूँ, तुम्हें देखकर सूर्य नमस्कार करना चाहिए था। मैंने रात को ही सोच लिया था कि सूर्य नमस्कार यहीं पे करूंगा, तुम्हें सुबह ये जानकर दूसरी जगह पे बैठना चाहिए था ना भाई। तेरे दिल की बात मुझे कैसे पता चलेगी बेवकूफ? क्या मुझे बेवकूफ कहता है? तेरे बाप के बाप, उनके बाप के बाप और उनके बाप के बाप के बाप बेवकूफ। अरे रे 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 रे, तुम मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? तुम अपने आप सूर्य नमस्कार कर लो और मैं अपने आप अपना ध्यान कर लूंगा वहाँ पर जाकर बैठ के। तुम्हें मेरा नमस्कार है भाई। अच्छा, अब समझ में आया तेरे? वहाँ जा, पेड़ के नीचे बैठ कर ध्यान कर, चल जा। ऐसा ही करूंगा, लेकिन अरे मेरे भाई, जो तुम मंत्र पढ़ रहे हो उसे थोड़ा थोड़ा धीरे पढ़ो, यही विनती करता हूँ। गुरुजी, आप कहाँ बैठकर मंत्र पढ़ते हैं? मेरे भगवान के घर में, उनके पास एकदम करीब में बैठकर, सिर्फ उन्हीं को सुनाई दे इस तरह मैं धीरे से पढ़ता हूँ। है ना, तो तुम अपने भगवान के घर में, अपने भगवान के सामने, भगवान के पास बैठकर धीरे से दिल से पढ़ो और एकदम मन लगाकर पढ़ो, भगवान सुन लेंगे। लेकिन मेरे भगवान, वो देखो सूर्य भगवान है, वहाँ विराजमान है, मैं धीरे पढ़ूंगा तो सुनाई देगा? सुनाई नहीं देगा। है ना, तो एक काम करो, देखो आंखें बंद करके वहाँ जाकर ध्यान कर लो, मैं यहाँ पे सूर्य नमस्कार कर लेता हूँ। लगता है ये पूरा पागल है, इसको समझाने से अच्छा मुंह बंद करके मैं अपना काम करता हूँ। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर दिया, पता नहीं मैंने से क्यों पंगा लिया। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। आवाज ज्यादा हो रही है, थोड़ा धीरे बोलना। नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। भगवान, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, अच्छी नौकरी दिलवा दो ये भी नहीं कहूंगा, करोड़ों दिलवा दो ये भी नहीं कहूंगा, मिनिस्टर बनवा दो ये भी नहीं कहूंगा, बस मेरी एक छोटी सी इच्छा है प्रभु, मुझे एक लड़की से मिलवा दो और मेरी शादी करवा दो प्रभु। क्या कहा? इसकी वजह से भगवान आज बर्बाद हो गए। अगर नौकरी चाहिए तो एक हफ्ते में मिल जाएगी, करोड़पति बनना चाहते हैं तो एक महीने में बना देंगे, मिनिस्टर बनना चाहेंगे तो भी थोड़ा सा लेट होगा लेकिन फिर भी बना देंगे एक साल में, सब आसान है। लेकिन आजकल के लड़कों के लिए लड़की ढूंढने का मतलब है, बाप रे, साक्षात भगवान के लिए भी बहुत मुश्किल की बात है। आज तो भगवान आपके लिए, इसकी वजह से आपको मुश्किल हो रही होगी, है ना? हे प्रभु, वो बस स्टॉप मैरिज एजेंट मुझसे छुप करके भाग रहा है प्रभु, बस उसे आज किसी तरह से मुझसे मिलवा दो और मेरा रिश्ता किसी अच्छी लड़की से करवा दो प्रभु। बेचारा, वो बस स्टॉप मैरिज एजेंट शंकर पता नहीं कहाँ होगा। दिस इज बस स्टॉप मैरिज ब्यूरो, शंकर। किसने मुझे कॉल किया था? मैंने। ओ, तुमने? आता हूँ। ओ चिकिता, नमस्कार जी। काला, ओ लगता है आपकी ज्यादा हो गई है। आपकी ज्यादा हो तो भी, आप सुंदर ना हो तो भी, आपके पास कुछ ना हो तो भी। कुछ भी नहीं का क्या मतलब है? मतलब आपके पास नौकरी बिजनेस कुछ भी ना हो तो भी कोई बात नहीं, हाथ में पैसा रखोगे तो मैं इस हाथ से तुम्हें आशीर्वाद देता रहूंगा। इसलिए तो मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ सर। अरे क्या बोल रहे हो? वही मेरी जिंदगी सर। ओ ऐसी बात है, नॉन स्टॉप मैरिज ब्यूरो शंकर के पास आए हो ना, अब टेंशन मत लो तुम। गुरुजी, सच में मैं तुम्हारी शादी करा के रहूंगा। सब लोग ऑफिस में शादियां सेट करते हैं, आप बस स्टॉप पर शादी सेट कर रहे हैं गुरुजी। अभी तुमने सही पॉइंट की बात की है, तुम मेरे ऑफिस आओगे और अपनी फोटो दिखाओगे, वो फोटो ले जाकर उन्हें दिखाकर पसंद करने वालों को, नापसंद करने वालों को, दोनों को कन्विंस करके सगाई का अरेंजमेंट करना पड़ता है। उस सगाई में मिठाई, मसाला डोसा, औरतों का सजना धजना, इन सब की क्या जरूरत है? जब वो लड़की भी आकर बस स्टॉप पर रुक जाएगी, उसे तुम सीधे देखोगे, वो तुम्हें तिरछी नजरों से देखेगी, तुम हेयर सेट करोगे और वो अपना दुपट्टा सेट करेगी,
और तुम उसे देखकर हंसोगे और वो तुम्हें देखकर अपने बाल पीछे करेगी और फिर वो शर्मा जाएगी और तुम्हें उसे देखकर हंसी आ जाएगी। अगर तुम उसे पसंद आए तो वो अपना सर नीचे करके हंसेगी। अगर मैं पसंद नहीं आया तो तेवर दिखाते हुए हे 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 करके वो चली जाएगी वहाँ से। तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें मुझे फोन करना होगा, मेरे बताए बस स्टॉप पर जाना होगा, सेम प्रोसेस को फॉलो करना होगा। ये बस स्टॉप का कॉन्सेप्ट अच्छा है गुरुजी। अच्छा है, इसीलिए तो फॉलो कर रहा हूँ। कितने लोगों की मैरिज मैंने बस में ही करा दी है। आखिर तुम्हें कौन से डिपो का बस चाहिए, कैसी लड़की चाहिए? मुझे सुबह उठते ही गर्मा गर्म कॉफी देने वाली चाहिए। कॉफी के लिए शादी किस लिए? रोड पर बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, इसके लिए पत्नी की क्या जरूरत है? मुझे तीनों टाइम खाना बना कर देने वाली चाहिए। अरे मेरे भाई, तुम कुकर में बिरयानी बना लो या तुम बाहर होटल में जाकर खा लो, इसके लिए शादी की क्या जरूरत है? मेरे बच्चों की देखभाल करने वाली चाहिए। बच्चों की देखभाल के लिए इतने सारे बेबी केयर सेंटर्स नहीं है क्या? अभी तुम्हें शादी करनी है क्या? ऐसी बात मत कहिए गुरुजी, आप पर भरोसा किया है। संसार बसाने के लिए एक लड़की ढूंढ दीजिए, काफी है। आप तुम बिल्कुल सही लाइन पर आए हो। तुम्हारे एज को सूट करने वाली, तुम्हारे बॉडी को फिट बैठने वाली इस तरह की फोटोज मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये रही, ये वाली नहीं, ये देख लो। गुरुजी, क्या ये लड़की ऐसी है? कैसी है लड़की? अच्छी है ना? मतलब खूबसूरत नहीं है क्या? शादी करने के लिए तुम्हें लड़की चाहिए ना, खूबसूरती की क्या जरूरत है? मतलब मेरी पत्नी सबको दिखाने के लिए थोड़ी खूबसूरत तो होनी चाहिए ना? मतलब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रहेगी या किसी और के साथ? मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ। इससे शादी करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो तो उस टाइम में रात होने के बाद। रात होने के बाद लाइट ऑफ कर देना, अंधेरे में वैसे भी क्या दिखता है। ऐसा ही करूँ ना? हाँ करो, देखो टाइम वेस्ट किए बिना अगले बस स्टैंड में एक लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम जाकर उस लड़की को देख लो। हाँ लेकिन एक बात मत भूलना, ये जो तुम्हारी शादी है उसमें कैटरिंग का जो भी है वो मैं देख लूंगा, तुम टेंशन मत लेना। जाओ जाओ, मैं चलता हूँ गुरुजी। अरे बाप रे, आज मेरे अकाउंट में 10,000 आ जाएंगे। उसे कहाँ ढूंढूं? अरे ये तो यही है। सुबह ही पैसा मिलेगा ऐसा सोचा मैंने, और ये शनि मेरे पीछे पड़ने वाला है। शंकर जी, हेलो शंकर जी। अरे अरे गाड़ी निकाल यार। शंकर जी, अरे रुकिए शंकर जी। बाप रे, रवि का फोन। आज मैं उससे नहीं मिलने वाला हूँ, वो फोन करेगा तो भी नहीं उठाऊंगा मैं। ये शंकर मिलने वाला नहीं है, फोन करता हूं तो फोन नहीं उठाता है, इसलिए नया सिम लेकर आया हूं, देखता हूं कैसे बचेगा। ये तो नया नंबर लगता है, जरूर कोई कस्टमर होगा। हेलो, बस स्टॉप मैरिज ब्यूरो, शंकर स्पीकिंग। शंकर जी, मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि तुम हो क्या? हाँ, रुकिए रुकिए, कट मत कीजिएगा। आप मेरा नंबर नहीं उठा रहे थे इसलिए नया सिम खरीदा है आपके लिए। अगर आप फोन काटेंगे तो मुझे अलग अलग नंबरों से आपको फोन करना पड़ेगा, आपका फोन एंगेज रहेगा और आपके कस्टमर्स को गुस्सा आएगा और आपका सारा धंधा चौपट हो जाएगा और आप सड़क पे आ जाएंगे महाराज, पक्का है। तुम ऐसा कहोगे तो मुझे दिल का दौरा पड़ेगा, फाइनली मेरी मौत हो जाएगी भाई। आपकी बात सुनकर मुझे रोना आ रहा है गुरुजी। क्या यार, तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो? अबे प्यार नहीं करता बे। तुम मर जाओगे तो मेरी शादी कौन कराएगा? ओके, तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे। शादी? शादी होती है बर्बादी। अगर तुम्हें शादी करना हो तो महीने में 50,000 मिलने वाली नौकरी ढूंढ लो तुम, तब मैं तुम्हें एक अच्छा रिश्ता दिखाऊंगा। मेरा थोबड़ा देखकर महीने का 50,000 मुझे कौन देगा?
ये तो मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए 50,000 मिलने वाली नौकरी ढूंढ ली है। तुम जाकर जुबली बस स्टॉप के पास खड़े हो जाओ, एक आदमी कार से आएगा और तुम्हारा इंटरव्यू ले लेगा। मुझे लगा सिर्फ शादी, लेकिन इंटरव्यू भी बस स्टॉप में अरेंज होता है, पता नहीं था। दैट इज मैरिज ब्यूरो बस स्टॉप शंकर। बाप रे, आज तो मैं बच गया। सही टाइम पर आया हूँ, लेट हुआ सोचकर टेंशन में आ गया था। शंकर ने यही बस स्टॉप बोला था। हाँ ठीक है, नो डाउट यही बस स्टॉप है। आज मुझे नौकरी मिल गई, शादी सेट हो जाएगी। शादी सेट हो गई तो लाइफ इज ब्यूटीफुल, मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। या जय सूर्य देवाय नमः। नहीं, जय बजरंग बली, ये भी नहीं चलेगा। हाँ, बालाजी को नमस्कार किए बहुत दिन हो गए मुझे, इसीलिए लगता है बालाजी गुस्सा हो गए। यस, मेरी शादी सिर्फ बालाजी ही करा सकते हैं। सातों पहाड़ों वाले वेंकट रमना गोविंदा गोविंदा। प्रभु, मुझे नौकरी और छोकरी मिल गई तो उस बस स्टॉप शंकर को टकला बना दूंगा आपके लिए। आर यू मिस्टर रवि? या आई एम रवि, आप कौन? बस स्टॉप शंकर ने भेजा है आपका इंटरव्यू लेकर नौकरी देने के लिए। ऐसा क्या? थैंक यू सर, मैं आपका ही वेट कर रहा था। वेल, वैसे तुम कहां तक पढ़े हो? मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय मुझे ऐसे देख क्या रहे हो? एक मिनट सर, आपको कहीं तो देखा है। कहां देखा है आपको? कहीं तो देखा है सर मैंने। नो वे, मुझे देखने का कोई चांस ही नहीं है। नहीं नहीं, मैंने आपको पक्का देखा है, आपने टीवी पे इंटरव्यू दिया। नहीं। तो फिर किसी मैगजीन में इंटरव्यू दिया था आपने? बिल्कुल नहीं। आपको कहीं तो देखा है सर मैंने, सिनेमा हॉल में, किसी रेलवे स्टेशन पे, कहीं तो देखा है। हाँ याद आ गया, कल रात मेरे सपने में भगवान आए थे सर। वो भगवान बिल्कुल आप की तरह थे सर। सर मतलब उस भगवान ने आपको मेरे पास भेजा है, आप मेरे लिए भगवान हैं सर। ओके ओके, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? सर आज ही सुबह मैंने अखबार पढ़ा है सर। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम कहाँ तक पढ़े हो? पढ़ाई की क्या जरूरत है, आप मेरे लिए भगवान है ना। दूसरा सवाल पूछिए। ठीक है ठीक है, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो क्या करोगे? शादी कर लूंगा सर, शादी के लिए ही तो नौकरी करना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है रवि, नौकरी ज्वाइन करने के बाद क्या करोगे तुम? सर सैलरी मिलते ही अपनी पत्नी को लेकर शॉपिंग पे जाऊंगा सर। वो सब छोड़ो रवि, नौकरी ज्वाइन करने के बाद क्या करोगे? नौकरी ज्वाइन होने के बाद क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा वो छोड़िए सर। सर आप मेरे लिए भगवान हैं सर, सब कुछ आप ही देख लेंगे सर। ऑफिस में तो कोई मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं कहता, ये ऑफिस में आएगा तो मुझे भगवान भगवान कहेगा, फिर मेरी सब इज्जत करेंगे। सर आप क्या सोच रहे हैं? ओके ओके, मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ, तुम्हारी सैलरी होगी 50,000 रुपए। सर आप मेरे लिए भगवान है सर, भगवान है सर। रहने के लिए 3 BHK फ्लैट। सर भगवान है मेरे लिए सर। और घूमने के लिए कार, अब तो ठीक है ना? सर आप भगवान है सर, मेरे भगवान है सर, भगवान। उठो उठो। ओके ओके, कल सुबह आकर ज्वाइन कर लेना। सर थैंक यू सर, इंटरव्यू बोलो तो ऐसा ही होना चाहिए। वो देखिए वहाँ वेनु सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, वहाँ इंटरव्यू के लिए गया था। तुम्हें कंप्यूटर आता है क्या, टाइपिंग आती है क्या, ये आता है क्या, वो आता है क्या, दिमाग खराब हो गया, मैंने नौकरी छोड़ दी और यहाँ आ गया सर। तुम खुद ही छोड़ कर आ गए कि उसने भगा दिया? उनके निकालने से पहले ही आ गया सर। सर उस कंपनी के चेयरमैन वेणुगोपाल है सर, बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है वो। हा? पूरे स्टाफ को गाली देते हैं वो, उनके जैसा बेवकूफ, उनके जैसा वेस्ट फेलो, उनके जैसा नालायक गधा मैंने कहीं नहीं देखा सर।
वो बेवकूफ नालायक, छी छी, वो वेणुगोपाल मैं ही हूँ, वो कंपनी मेरी ही है। ऑफिस में नौकरी की बात तो छोड़, बाथरूम टॉयलेट धोने की नौकरी भी तुझे नहीं दूंगा, जा। सर सर सर, अरे मेरी नौकरी भी गई। अरे यार लगता है किसी का फोन आया है। ये तो रवि का फोन है, इसका फोन नहीं उठाऊंगा तो ये बहुत सारे नंबरों से मुझे कॉल करके परेशान करेगा। हाँ रवि बोलो, इंटरव्यू अच्छे से हो गया ना, जॉब मिल गई ना? हाँ, बाद में बात करते हैं गुरु। हाँ, अपने रूम में ताला लगाकर चाबी वॉचमैन को दे दी है। हाँ, वो चाबी लेकर मेरे रूम में पहुंची। आप तुम्हारे रूम में मेरा क्या काम है? बताता हूँ सुनिए तो, मेरे रूम में एक फटी हुई चटाई है। हाँ, दो तकिया है। हाँ, और एक पुरानी चादर है। हाँ, उन्हें धोए 6 महीने हो चुके हैं, धोने से साफ हो जाएंगे। ये सब बात तू मुझे क्यों बता रहा है भला? बताता हूँ रुकिए तो, और क्या है मेरा बैंक बैलेंस 75 रुपए का है, चेक लिख कर रख दिया है, सुबह जाकर के ड्रॉ कर लीजिए। 75 रुपए का चेक लिखा है तुमने, पर ये सब बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? बताता हूँ गुरु जी, लेकिन एक बात के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, होने से पहले पता चलता तो 10 लाख का इंश्योरेंस करवा के आपको नॉमिनी में डलवा देता। ये श्योरिटी क्या है, ये नॉमिनी क्या है, असल में क्या बात है यार? वैसे तुम कहाँ पर हो? गांव के तालाब में कूद कर आत्महत्या करना चाहता हूँ मैं। गांव के तालाब में? अरे समुंदर में जाओ, उसमें जल्दी मरोगे गुरु जी। अच्छा ये बताओ ऐसी भी क्या तकलीफ हो गई है? अब और कितनी तकलीफ होगी, दुनिया में सबकी शादियाँ हो रही हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर, बिना शादी की जिंदगी, पत्नी के बगैर जिंदगी नहीं बिता सकता मैं, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूँ मैं। अरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम आत्महत्या कर लोगे तो मुझे हर दिन पैसे कौन देगा? आपके हमेशा सेवा करूंगा गुरु जी, बस मेरी शादी करवा दीजिए। ए, तेरा यही लास्ट एंड फाइनल चांस है, तुम अभी अगर शादी करना चाहते हो तो किसी भी तरह 20 लाख रुपए कमा कर दिखाओ, तब जाके तुम्हारी शादी करवाऊंगा। उसके बाद यूसुफ गुंडा बस स्टॉप के चेक पोस्ट पर खड़े हो जाओ, वहाँ पर तुम्हारे लिए एक दुल्हन खड़ी रहेगी, उस लड़की से शादी करके जीवन बसा लो, नहीं तो मैं खुद आत्महत्या करके मर जाऊंगा। थैंक यू गुरु जी। ऐसा कस्टमर एक काफी है सुसाइड करके मरने के लिए। हाँ, वो जब तक पैसा कमा कर लाएगा तब तक मैं गायब हो जाता हूँ। लाख कमाना है, लेकिन कैसे 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 कमाऊंगा? कैसे भी कमाना ही होगा, अपने लिए नहीं पत्नी के लिए। अरे अरे आपको ले चलता हूं, आइए। आपको दिखाई नहीं देता क्या? क्यों, तुम भी अंधे हो क्या? क्यों, ऐसा क्यों कहा? नहीं तो क्या यार, मैं अंधा हूँ तुम्हें पता है, दिखाई नहीं देता ये भी पता है, फिर भी दिखाई नहीं देता ये क्यों पूछ रहे हो तुम, बताओ? ठीक है ठीक है, तुम पैदाइशी अंधे हो? जी हाँ सर। दिखाई नहीं देने से कैसा लगता है? अंधेरा लगता है तो सर। तुम्हें दुख नहीं होता क्या? दुख क्यों होगा सर, जन्म से ही अंधेरे को देखते आ रहा हूँ, अंधेरे में ही जी रहा हूँ, अंधेरे में ही सो रहा हूँ मैं, मेरे जैसों को अंधेरे की आदत हो जाती है सर। फिर भी तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो? आदत सी हो गई है सर, वैसे मेरे जैसे अंधे सभी अंधेरे में रोशनी को देखते हुए खुशी से जीवन बिता रहे हैं सर, लेकिन आप जैसे लोग सर रोशनी में रहते हुए भी अंधेरा आ जाएगा सोचकर डरते हुए जी रहे हैं, सो अच्छा होगा हम अंधेरे में ही रहेंगे। अमीर पेट जाने वाली बस आ रही है क्या सर? हाँ वो आ रही है सर, आप मुझे रोड साइड में खड़ा कर देंगे, वहीं से जाऊंगा। हाँ ठीक है, आ जाओ। ठीक है सर, यहीं खड़े हो जाओ, ठीक है? थैंक यू सर, चलता हूँ मैं। हे ब्रह्मदेव, इतने भगवानों को पूजने के बाद मेरा कुछ भी नहीं हुआ, कम से कम आप तो मेरे लिए 20 लाख रुपए नीचे फेंक दीजिए भगवान। सिर्फ आपकी पूजा करूंगा। उस अंधे ने कहा था अंधेरे में ही रोशनी को देखो, बहुत खुशी मिलेगी। खुशी क्या है मैं भी देखना चाहता हूं, थोड़ी देर आंखें बंद करके चलता हूं।
उसे कैसे खुशी मिलती है मैं नहीं जानता, लेकिन आंख बंद करके चलना मुश्किल है। क्यों पंगा लूं, आंखें खोल के चलता हूं मैं। ला ला ले ला ले ले ला ओ एक्सक्यूज मी मैडम, कोठी जाने वाली बस कब आएगी? मुझे नहीं पता। ओ ओ ला 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 आ ओ ए मिस्टर, चलो उठो। एनी प्रॉब्लम? मैं कह रही हूँ चलो उठो। तुम्हारी जो हाइट है उसके हिसाब से तुम ये कैसी हरकत कर रहे हो? प्यार करने के लिए हाइट की जरूरत नहीं है, डेयरिंग होनी चाहिए जी। ऐसा क्या? ठीक है, तुम मेरे कंधे पर हाथ रखो, मैं तुम्हारे कंधे पर पैर रखूंगी। बाप रे, इतनी मेहरबानी की जरूरत नहीं है मैडम। आप अपनी बस के लिए वेट कीजिए, मैं अपनी बस के लिए वेट करता हूँ। दूर बैठो। एक्सक्यूज मी मैडम, कोठी जाने वाली बस कब आएगी? बाप रे। समझ में आ गया ना, अब जाकर वहां बैठो। अपने आप को हीरोइन समझती है। ओहो, शायद ये बैग इसका नहीं है। मैं ट्राई करके देखता हूँ। ओहो लारे लाले लाल ओ लारे लाले लाल लाले लाला तेरे चाक का एक नंबर का पप्पू है। लाले लाले लाल लाला आहा आप दोनों ये कहना बंद कीजिए कि ये बैग मेरा है। उससे बेहतर ये बताइए इस बैग में है क्या। बैग किसका है खुद ब खुद पता चल जाएगा। ए मिस्टर, तुम बताओ कि तुम्हारे बैग में क्या क्या है। इसको क्या बताऊं मैं, एक काम करता हूँ, ऐसे ही कुछ कपड़े कुछ पैसे बता देता हूँ इसको। हाँ, इस बैग में दो जोड़ी कपड़े, एक पेस्ट है, घिसा हुआ ब्रश है, इसके साथ कुछ पैसे हैं और एक टॉवल है इसके अंदर। ओह, इतना सही सही बता रहा है जैसे बैग इसका ही हो। मुझे भी कुछ ट्राई करना होगा। हाँ, पैसे हैं बता दूंगा तो 1, 2, 3, 4, 10 लाख बता देता हूँ। मैडम, अगर इस बैग में 10 लाख रुपए होंगे तो ये बैग मेरा होगा, और अगर नहीं तो अंडरवियर बनियान ये सब होगा तो बैग इसका हुआ, मुझे नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, एक बार देख लेता हूँ। बैग मुझे दीजिए, मैं देखकर बता दीजिए। आप ही देखिए मैडम, माल आदमी है, अभी पता चल जाएगा किसका बैग है। हाँ उनको ही देखने दो। अब सही कहा, इसमें तो कैश रखे हुए हैं, मतलब बैग तुम्हारा ही है। ये मेरा है मैडम, मेरा है ये। सुबह सुबह मेरा मोट बन गया, धन लक्ष्मी मुझे मिल गई। जिसकी चीज होती है उसको मिल जाती है। थैंक यू मैडम। हेलो, किसी के भी बैग को मेरा है मत कहना, वरना बहुत कुटूंगा। हाय तेरी जात का। ए मिस्टर, दूसरे के बैग को अपना क्यों बता रहे थे? अरे हे ब्रह्मदेव, ये आखिरी चांस है, मुझे 20 लाख रुपए देंगे तो ठीक, नहीं तो ना तुम्हारा नाम लूंगा ना तुम्हारी पूजा करूंगा। हाँ, ये सूटकेस यहाँ नहीं था, यहाँ कैसे आया, क्या रहस्य है?
कहीं ब्रह्मा जी ने मेरे लिए 20 लाख रुपए तो नहीं भेजे हैं इसमें? यहाँ आसपास कोई है भी नहीं। एक काम करता हूँ, खोल के देखता हूँ इसको। बापरे, इस सुनसान जगह पे ये सूटकेस रखा हुआ है, कहीं इसमें बॉम्ब तो नहीं है? मैं हाथ लगाऊंगा तो फट जाएगा, मैं इतना रिस्क क्यों लूं? पुलिस को फोन करता हूँ। सर, इंस्पेक्टर सर, क्या हुआ? हमारे एरिया में एक सूटकेस पड़ा है, उसमें बॉम्ब हो सकता है, मुझे इस बात का शक है, आप जल्दी से आ जाइए। वहीं रहना। हाँ, मैं यहीं रहूंगा सर। तुमने फोन किया था? मैंने क्या? ही किया था सर, यही है वो सूटकेस। यही है क्या? जी सर। लगता है ये कोई पागल है, ये तो मामूली सूटकेस है, बम वगैरह कुछ नहीं है, लगता है कोई भूलकर चला गया होगा। सर हाथ मत लगाइए, फट सकता है सर। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, फटेगा तो मैं मरूंगा ना, तुम चुप रहो। पैसा? इतना सारा पैसा? वेल डन माय डियर बॉय, तुमने पैसों से भरे सूटकेस को पुलिस के हवाले कर दिया है। तुम भारत के अच्छे नागरिक हो, अगर इस पैसे की बात तुमने किसी को बताई तो मैं तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा, समझ गए? तुम्हें अब क्या करना है? मुंह बंद करके चला जाता हूँ। तुम तो काफी समझदार हो, गुड बाय। पत्नी ने कार मांगा है, जल्दी बुक करता हूँ। पैसे भी चले गए, शादी का मौका भी चला गया। पता नहीं क्यों मुझे डाउट हो रहा है कि इन भक्तों का मैटर आपसे वर्कआउट नहीं होगा, अब क्या करेंगे पिताश्री? क्यों? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 10th क्लास में फेल होने वाले स्टूडेंट बार बार सप्लीमेंट्री में बैठते हैं, वैसे ही बार बार मुझे ट्राई करना पड़ रहा है। जरूरी है, देखो अब तक मैं पुरुषों को वरदान देकर फेल हो गया हूँ, अब मैं एक नारी को वरदान देकर उसके फ्यूचर को कैसे ब्राइट करता हूँ, देखो। वो नारी कौन है, देखूं क्या? हम देख लेंगे ना। सही बात है, जिन्हें खुजली होती है उन्हें ही खुजाना चाहिए, खुजाइए आप भी। वैसे क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा देख लीजिए। हाँ ये करेक्ट है। इस महल की रानी हूँ मैं, हा 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 हा। सुंदरी हूँ मैं, बहुत सुंदर हूँ मैं, हा 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 हा। सुंदरी हूँ मैं, बहुत ही सुंदर। इस महल की रानी हूँ मैं, इस महल की रानी। अरे रे रे, ऐसे घुमा नहीं करते, तुम बुद्धिमान लड़की हो, आज तुम्हारी सगाई है बेटी। मेरी सगाई है? हाँ तो मैं कैसे देखूँ माँ? ऐसे देखूँ? बेटी, तुम पागलों जैसी हरकतें करोगी तो कोई शादी नहीं करेगा तुमसे। मैं कोई पागल नहीं हूँ, पागल तुम हो, पागल पापा और तुम हो पागल माँ। वैसे ब्रह्मदेव ने मुझे ऐसा बनाया है, इसीलिए मैं ऐसी हूँ, पागल नहीं हूँ। जैसे आपको बनाया है ऐसा और आपको बनाया है ऐसा। तुम ऐसे करोगी तो तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। मुझे शादी चाहिए, मुझे शादी करनी है, शादी करूँगी मैं। होगी बेटी, तुम्हारी शादी अवश्य होगी। हजार शादी करवाने का एक्सपीरियंस है, तभी बोल रहा हूँ। तुम बिना शोर किए मेरी बात अगर मानोगी तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। नहीं तो फिर आपकी शादी होगी क्या? ठीक है, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। देखिए, लड़के वालों ने 4 प्रश्न पूछने के लिए क्वेश्चन पेपर रेडी किया है। हमारी बेटी बुद्धिमान है ये साबित करने के लिए क्वेश्चन पेपर अपने दिमाग से बनवाया मैंने। वो प्रश्न क्या है जल्दी बताइए, लड़की को हमें प्रिपेयर करना है। हाँ हाँ, जल्दी बताइए। हाँ हाँ ठीक है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हारी शादी इससे पहले हुई है क्या? नहीं हुई शादी, एक बार भी नहीं हुई है। ऐसे बोलोगी तो पता चल जाएगा कि तुम पागल हो। वो जितने भी प्रश्न पूछे यस नो में जवाब देना, समझ गई ना? अच्छे से समझ गई मैं, वो चाहे कुछ भी पूछे यस नो ऐसा कह के जवाब देना है, इतना ही ना?
बेटी बुद्धिन सुंदरी यस नो दोनों मत बोलना बेटी, उनमें से कोई एक ही बोलना। अगर ऐसा है तो क्या बोलना है, आप नहीं बताएंगे तो मैं जवाब कैसे दूंगी। यहाँ तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। मैं तुमसे चार प्रश्न पूछूंगा, इसका जवाब देना बेटी। हाँ पूछिए। तुम्हारी पहले शादी हुई है क्या? नो कहना होगा। दूसरा प्रश्न, तुम्हें लड़का पसंद है क्या? जवाब में यस कहना होगा। पति पीकर आएगा तो मारोगी क्या? नो बोलो। नो। सास ससुर की अच्छे से देखभाल करोगी ना? यस कहना होगा, बस इतना ही। अरे इतना ही है क्या? मुझे पता चल गया। पहला क्वेश्चन है, आपको लड़का पसंद है क्या? मेरी माँ, देखो पगली, ऐसे तो तुम सब बर्बाद कर दोगी। तुम प्रश्नों पे ध्यान मत दो, सिर्फ जवाब पे ध्यान दो। नो यस, नो यस। अब कहो बेटी है? आप भी मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कह के देखती हूँ। नो यस, नो यस, इतना ही ना? इतना ही बेटी, इतना ही। अब तुम ज्यादा मत सोचो, नो यस नो यस करती रहो। नो यस, नो यस, करेक्ट है ना? अपनी लड़की को जल्दी लेके आइए माँ जी, नो यस करके गुड़ गोबर ना कर दे। चलो बेटी। पागल के दिमाग में घुसकर पागलों जैसी हरकतें करवाने वाले पिताश्री को ये भक्त बहुत अच्छी रहेगी। यस। मेरा एक छोटा सा सजेशन है। कहो। सी द गर्ल। विच गर्ल? पागल गर्ल। हंस क्यों रहे हो? नहीं पिताश्री, देखने के लिए बोल रहा हूँ। मैं भी वही देख रहा हूँ, मुझे भी पता है। देखिए देखिए। लड़की कहाँ है? वो क्या है ना, लड़की को रिपेयर किया जा रहा है, मतलब रेडी हो रही है। अरे माँ जी, लड़की को लेकर आइए। अरे यार यार, सुबह होते ही पीना शुरू हो जाता है। वैसे कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिलाकर क्यों पी रहे हो बेटा? देखो बेटा, थोड़ा सा स्टडी करके हमारी बातों को ध्यान से सुनो बेटा। क्वेश्चंस के लिए रेडी। लड़की कहाँ है? आ जाएगी। इस बीच थोड़ा पी लेता हूँ। भगवान। अरे अरे। क्या बोला था? नो यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो यस यस नो, इतना ही ना? हाँ, इतना ही बेटी, मेरी अच्छी बेटी। yes, लगता है तूफान आने वाला है। यस नो, गांव को बचाना मुश्किल। यस नो, अरे मेरी किस्मत। लीजिए। आप भी जूस ले लीजिए। डांस और सॉन्ग तो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारा लड़का कुछ सवाल पूछना चाहता है तुमसे। इसमें क्या है, जवाब के लिए ऑलरेडी तैयारी करवा रखी है। तैयारी करवाई है मतलब? मतलब रेडी किया है। बेटा, क्वेश्चंस तो याद है ना? बेटी, जवाब याद है ना? सब कुछ याद है मुझे। पहला प्रश्न पूछने के लिए बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम्हें लड़का पसंद है क्या? लगता है इसे चढ़ गई है। वेस्ट फेलो, भूल गया है, बेवकूफ कहीं का। फर्स्ट क्वेश्चन है ना? यस। सेकंड क्वेश्चन, मैं पी कर आऊंगा तो मुझ पर चिल्लाओगी क्या? हाँ
पता नहीं अब क्या बोलेगी। अरे नो बाप रे। मेरे माँ बाप की देखभाल अच्छे से करोगी ना? यस नो यस नो यस नो 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 यस यस। लास्ट क्वेश्चन, तुम्हारी इससे पहले शादी हुई है क्या? अरे बाप रे। हुई है या नहीं पता नहीं। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। नो नहीं हुई है। नो 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 ही करेक्ट है। मम्मी डैडी क्वेश्चन मस्त पूछा ना। माँ मैंने जवाब अच्छे से दिया ना? कितनी तेज हूँ मैं। दोनों भार में चल। मेड फॉर ईच अदर। मैरिज फिक्स हो गई। जल्दी से शादी करवा देता हूँ मैं। पिताश्री इस बार के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिस मत कीजिए, वरदान दे दीजिए। यही है लास्ट एंड फाइनल चांस, नहीं तो इसके बाद नो टेंपल्स नो एनी भक्त। नारद ये कैसा भद्दा मजाक है? उस पगली के बारे में मुझे पता नहीं है क्या? नारद तुम एक सर से सोचते हो तो हम तीन सर से सोचते हैं, दिखाऊं क्या? अरे नहीं। वही तो, देखो बचपन से टेढ़ी मेढ़ी पली बड़ी इस पगली लड़की को हम वरदान देकर अपने भविष्य का भक्त कैसे बनाऊंगा देखना। बेटी पगली, बेटी सुंदरी, सुंदरी मैं हूँ ब्रह्मदेव। तेरे पागलपन पर इम्प्रेस होकर मैं तुम्हें तीन वरदान दे रहा हूँ। इसी क्षण से तुम्हारी पसंद के तीन वरदान मांग लो, तुम्हें तुरंत दिया जाएगा। अब देखो तुम्हारा माइंड ब्लॉक हो जाएगा। देखो ठीक है। ब्रह्मा देव नहीं है क्या? मतलब वो सपना था, ये तो सच है। सपने जैसा सच है, सच जैसा सपना है। हाँ ये सपना ही है। क्या हुआ बेटी, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? ससुर जी ब्रह्मदेव आए थे। ब्रह्मदेव कहाँ है? यही मेरे पास में बैठे हुए थे। सपना होगा बेटी। नहीं सासू माँ, सचमुच आए थे वो। मुझे नींद से जगाकर मुझे वरदान भी दिया उन्होंने। हीरे दिए हैं? कहाँ है, कहाँ है? हीरे नहीं, वरदान दिया है उन्होंने। सुनिए रात में शराब पीकर लगता है बेटी मिस कुमार इसके लिए पागल हो गई है। यही करेक्ट है। ध्यान से सुनो बेटी, ब्रह्मदेव भी नहीं कोई भी देव नहीं, जाकर काम करो। नहीं सासू माँ, सचमुच में आए थे वो। खींच कर लाफा दूंगा तो ब्रह्मदेव सच में नीचे आ जाएंगे। कहाँ ससुर जी, ब्रह्मदेव आए नहीं। अपने ससुर को मारती हो? रसोई के काम से बचने के लिए ऐसे नाटक कर रही है तू? हाँ चल निकल, जाकर काम कर। चलो जी। ब्रह्मदेव आए थे कहा तो कोई विश्वास नहीं कर रहा। बाप रे, अब खाना बनाना होगा क्या? सासू मत तो खाना बनाने के लिए कह रही थी, खाना नहीं बनाऊंगी तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। मुझे तो खाना पकाना भी नहीं आता है।
सासू माँ मुझे मार डालेंगी। ब्रह्मदेव सच में आए थे कहा तो सासू माँ ससुर जी भरोसा नहीं कर रहे थे। आखिर वो सच था या सपना था? सपना था या सच था? एक काम करते हैं, सच में ब्रह्मदेव ने वरदान दिया हो तो मैं जो बोलूंगी वो हो जाएगा, है ना? अब मैं खाना बन जाए ऐसा कहती हूँ। खाना बन गया तो सच है, नहीं हुआ तो सपना है। ब्रह्मदेव जी, सारे के सारे पकवान रेडी हो जाने चाहिए। ब्रह्मदेव जी, सारे के सारे पकवान रेडी हो जाने चाहिए। अरे खाना रेडी है। ब्रह्मदेव ने सच में मुझे वरदान दिया है। अरे अरे आखिर ये सब सचमुच में खाना ही है ना? ओए माँ, सच में अरे बाप रे, मुझे खाना बनाना ही नहीं पड़ा। गैस लीकेज होकर रसोई में विस्फोट। अरे सुनो, कॉफी बना के जल्दी से गैस बंद करो। नाला सुपारा में सुनिए, कॉफी सुनिए ना। कॉफी कहाँ है? कॉफी बनाने के लिए उसे कहा है जी, वो अपने रूम में गई है, बहुत ज्यादा टेंशन में थी। उसे कॉफी बनाना खाना बनाना आता है या नहीं? मुझे भी वही डाउट लग रहा है जी, आपको भी वही डाउट लग रहा है ना? अरे रे रे रे, उस बेकार की बहू को हमारे गले बांध दिया है जी, मुझे धोखा दिया है, आपको भी धोखा दिया है जी, मेरे बेटे को भी धोखा दिया है जी। अरे रे रे रे, रोना धोना बंद करो, हुआ क्या है ये बताओ ना। मैं जब अंदर गई थी ना, मैंने पूछो कॉफी बनाई क्या बेटी, सिर्फ कॉफी ही नहीं पूरा खाना तैयार है, ऐसे कह दिया उसने। अच्छा हाँ, मैं मार्केट गया ही नहीं, मैंने सब्जियां ला ही नहीं, तो उसने खाना कैसे बनाया ये बताओ। वही तो मुझे भी शक हो रहा है जी, उस पागल की बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, एक काम करते हैं, अगर उसने ऐसा कहा है कि उसने खाना बनाया है, जब वो रेड हैंड से पकड़ी जाएगी तो अब उसका भांडा फूट जाएगा देखना। आइए। हाँ, चलो। आइए। क्या हुआ? देखिए कितने सारे पकवान बनाए हैं मैंने। सच में खाना बनाया है। बेटी सुंदरी, इतने सारे पकवान कैसे बना लिए बेटी? अच्छा, राज जानना चाहती है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, सीक्रेट है। इसमें जरूर कोई रहस्य है जी, कैसे भी करके इस रहस्य का पता लगाना होगा। तुमने इस पगली बहू की एक महारानी की तरह तारीफ करेंगे तो वो खुद बता देगी। चलिए। सच में? पकाया है। सुनिए, आप सब्जी लेने नहीं गए, रसोई में भी नहीं गए, गैस भी ऑन नहीं किया, फिर भी खाना कैसे बन गया? भर के खा चुके हैं। सुनिए जी, उसको मैंने पूछा था कि खाना कैसे बनाया, उसने कहा ब्रह्मदेव के वरदान से बन गया है। मुझे ना एक डाउट है। क्या है? उसने वो? हम दोनों से छुपाकर किसी रेस्टोरेंट से मंगवाकर हमसे झूठ बोल रही है, इसलिए उस बिरयानी से इतनी खुशबू आ रही थी। हमेशा खाने के बारे में सोचते हैं। बहू के बारे में सोचना होगा। हाँ।
सुनिए, अगर हम कुछ पूछते हैं तो कहती कि ब्रह्मदेव का वरदान है। हमने तो खाना पकाया ही नहीं है। हाँ, वो परसों उस दिन हम टूर से वापस आए थे तो हमारे कपड़े मैले हुए थे ना। मैंने धोए नहीं ना। उसकी चोटी पकड़कर बेडरूम में ले जाकर वो सारे मैले कपड़े धोने के लिए कह देते हैं। वो ब्रह्मदेव के वरदान से कपड़े धोती है या खुद धोएगी समझ में आ जाएगा ना। वैसे मेरा काम भी आसान हो जाएगा। चलो। हाँ चलिए चलो। अरे 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 चलो, कहाँ लेकर जा रही हो? निकालो, रुक यहाँ पे। अलमारी से सारे कपड़े बाहर निकालो, रखो वहाँ। निकालो निकालो, और भी तुम्हें किस लिए? सासू माँ बताएगी ना, टेंशन मत लेना। ये सारे गंदे कपड़े धोकर अच्छे से इस्त्री करके रख देना। तेरा ब्रह्मदेव धोकर देगा या उस ब्रह्मदेव का बाप धोकर देगा, मैं भी देखती हूँ। मेरे सपने में ब्रह्मदेव ने आकर वरदान दिया है कहा तो आप दोनों ने विश्वास नहीं किया ना। भगवान की दी हुई पावर्स अब मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ ठीक है, आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। हाँ ठीक है। हे ब्रह्मदेव, ये सारे कपड़े धोकर ब्रश कर दीजिए ना। अरे अरे, देखा ना आपने, आपने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया था। ये देखिए। बेटी बेटी बेटी, तुम ये वरदान मांगकर बहुत थक गई होगी ना। वो एप्पल का जूस पी लेना बेटी। चलो चलो आओ बेटी, चलो जूस बना कर देता हूँ। चलो आइए आइए सासू माँ। सुनिए, हमारे पड़ोसी लक्ष्मी को ना हमें वरदान मिलने की खबर उसे पता चल जाएगा तो उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तुम कोई लिस्ट बनाने वाली थी ना, बताओ। सासुमा, आपको बनारसी साड़ी पसंद है ना, आपको चाहिए क्या? बेटी तुम खाओ, बेटी आप भी खाइए ना। अरे कहो क्या बात है, पगली की सेवा कर रही हो, आज अचानक इस पर इतना प्यार क्यों बरस रहा है? ये प्यार नहीं बेटा, ब्रह्मदेव का आशीर्वाद है, हमारी बहू का नसीब है। हाँ बेटा, रात में मेरे बहू के सपने में ब्रह्मदेव आए थे, जो मांगे वो देने का वरदान दिया है बेटा। इसका पागलपन तुम्हें भी आया है क्या? ब्रह्मदेव क्यों आएंगे, वरदान क्यों देंगे? मुझे विश्वास नहीं है। हमने आँखों से देखा है, सच है बेटा? मैंने अपनी आँखों से देखा है, ये सच है। सुबह ही कोल्ड ड्रिंक में दारू मिलाकर फ्रिज में छुपाया था, कहीं आप लोग ने तो उसे नहीं पी लिया? छी छी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ब्रह्मदेव ने सच में वरदान दिया है। खुद दारू पीता है और हमें बेवड़ा समझ रहा है। नहीं तो क्या डैडी, शराबी के सामने शराबी जैसी बातें कर रहे हो? अरे सच में बेटा, बस करो तुम लोग का नाटक। ब्रह्मा देव आए थे, वरदान देकर चले गए, मुझे विश्वास नहीं। विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं कह रहा है बेवकूफ। सासू माँ ये नहीं मान रहे। अच्छा रुकिए, आपको जो चाहिए आप बस मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको लाकर दे दूंगी। अरे इसकी तो इसका बिल्डअप देख कर विश्वास करना ही पड़ेगा। एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अब मुझे शराब की बोतल चाहिए, तुम्हारे ब्रह्मादेव को बोलकर मंगवा लेना, छोटा बोतल मंगवा लो। छोटा बोतल क्यों, बड़ा सा मंगवाती हूँ, ठीक है ना? ऑन द स्पॉट। ब्रह्मदेव जी, मेरे पति देव को एक फुल बॉटल चाहिए। देखो फुल बॉटल। देखा आपने? अरे रे, सुनिए जी, ससुर जी, सासू माँ। ये ठंडा पानी पियो बेटा। अरे इसकी तो माँ, इसे सच में ब्रह्मा देव ने वरदान दिया है माँ। हम पर तुझे विश्वास नहीं था, अब तू विश्वास करेगा ना?
विश्वास करूंगा मैं माँ। अरे तू ना लाख रुपए मांग ले बेटा, हम ना लखपति बन जाएंगे बेटा। माँ माँ लाख रुपए के साथ एक बॉक्स दारू भी मंगा लूंगा माँ। तेरी दारू गई भाड़ में, पैसा होगा तो तू कुछ भी मंगवा सकता है बेटा। हाँ तो लाख रुपए मांग लूँ क्या? लाख रुपए नहीं बेटा, करोड़ रुपए मांगने के लिए कहो उसे। करोड़ रुपए मांगू? जी हाँ जी हाँ, हाँ तो मैं करोड़ रुपए मांग लूंगा। चलो 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 बेटा। सुंदरी सुंदरी मेरी जानू हो ना, मेरी डार्लिंग हो ना, मुझे करोड़ रुपए चाहिए, मांग लो ना। एक करोड़ चाहिए क्या? मांग लूं क्या? अभी मांगती हूँ। ब्रह्मदेव जी, मेरे पति देव को, मेरे ससुर जी को और मेरी सासू माँ को एक करोड़ रुपए चाहिए। नहीं आया, देखिए ना। अरे जोर से मांगो ना। ब्रह्मदेव जी, हमें एक करोड़ रुपए चाहिए। पैसे तो आए ही नहीं। जोर से मांगो ना, मांगो ना, मांगो ना। आप बाजू से हटिए। ठीक है मांगो। ब्रह्मदेव जी, मैं सुंदरी आपसे कुछ मांग रही हूँ, हमें एक करोड़ रुपए चाहिए। कोई बात नहीं, फिर से मांग लो ना। फिर से मांग लो क्या? ब्रह्मदेव जी, मैं सुंदरी आपसे कुछ मांग रही हूँ, हमें करोड़ करोड़ रुपए चाहिए। नहीं आया जी, आया ही नहीं। गुरु जी को सुनाई नहीं दिया होगा, थोड़ा जोर से मांगो ना, तीनों टाइम तो खाती हो तुम। चिल्लाइए मत, मुझे डर लगता है। मैं अभी मांगती हूँ। मांगो मांगो। ब्रह्मदेव जी, मैं हूँ, मैं आपकी भक्त सुंदरी हूँ, हमें करोड़ रुपए चाहिए, दे दीजिए। नहीं है जी, नहीं आया। अभी मुझे कुछ याद आया। एक बात तो आपको बताना ही भूल गई। क्या है वो? क्या है वो? क्या है बताओ। ब्रह्मदेव मेरे सपने में आकर। बताओ बताओ। तुम जो भी मांगोगी वो मिलेगा, ऐसा वरदान दिया है। लेकिन लेकिन हाँ लेकिन हाँ लेकिन लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा था कि वरदान सिर्फ तीन बार ही काम करेगा। वैसे एक बार तो खुद के यकीन के लिए मैंने खाना बनवाया था, और दूसरी बार मैंने सासू माँ ससुर जी को यकीन दिलाने के लिए कपड़े धुलाकर प्रेस करवाए थे मैंने, और तीसरी बार तो आपको यकीन दिलाने के लिए फुल बॉटल मंगवा ली थी। तीनों वरदान तो पूरे हो गए ना। सोने जैसे वरदान को बर्बाद कर दिया तूने। हरी 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 हरी। ये एपिसोड देखने के बाद तो मेरा माइंड सच में ब्लैंक हो गया है पिताश्री। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। बम्पर ऑफर के साथ एक बार फिर ट्राई कीजिए। नहीं नारद, अब तक जो अपमान हुआ वो काफी है, फिर से प्रयत्न करूंगा तो कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, डर रहा हूँ। वैसे ये भक्त और इनके एटीट्यूड्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो विष्णु महेश्वर ही इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैं अच्छे से समझ गया। विधि का लिखा कौन टाल सकता है? विधाता बनकर आपने जो उनके लिए लिखा है वैसा ही उनके साथ हो रहा है, इसमें आपका क्या दोष है? उनका भाग्य वैसा ही है और आपका भाग्य ऐसा है। श्राप की वजह से भूलोक में आपकी पूजा नहीं हो रही है तो आप चिंता मत कीजिए। सृष्टि को चलाने के लिए त्रिमूर्ति की जरूरत है, वो कितने भी महान हो ब्रह्मा के सामने तो झुकना ही होगा। फिर भी सृष्टि का रहस्य आपको पता ही है,
आप भी मजाक कर रहे हो नारद? नहीं, ये तो सच है। चिरंजीवी रहो। विधाता के लेख के लिए वहाँ पर बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। आप भी? अवश्य। हम अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं। आज तो Yeah.